गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, साउंड आ रही है आप सभी तक? एक मिनट आप लोग थोड़ा वेट करेंगे, मैं सभी को मैसेज शेयर कर देता हूँ ताकि और भी बच्चे ग्रुप से जुड़ पाएँ। तो अभी हम लोग का जो लाइव सेशंस है, लाइव सेशंस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच, ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको शेयर कर देता हूँ ताकि बाकी बच्चे जो जुड़ नहीं पाए वो बच्चे जुड़ पाएँ। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी के क्लास में। हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है? आप लोगों के पास साउंड पहुंच पा रही होगी मुझे उम्मीद है। मैं एक बार अपने आप को भी लॉगिन कर लेता हूं ताकि मुझे भी पता चले आप लोग क्या क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या क्या रिप्लाई आप लोग कर रहे हैं। एक बार साउंड क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी को आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए कि साउंड क्वालिटी वीडियो क्वालिटी इज़ एवरीथिंग ओके और नॉट, सभी चीज़ ठीक ठाक है तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, हाँ ये जैसे मैंने मैसेज किया था कि चलिए, तो आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। आप लोग सब कुछ देख पा रहे होंगे, क्लास में सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी का स्वागत है। आप सब लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कॉपी पे, तो आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। आप लोग सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपना कॉपी पेन उठाएंगे। कॉपी पेन में, अच्छा लाइट को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लाइट को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करें, कॉपी में अपना नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जो जो सवाल मैं भी करवाने वाला हूँ सभी सवालों का क्या करना, सबसे पहले आपको नंबर लिखना है, ठीक है? सारे सवाल का क्या होना चाहिए, नंबर आपके पास होना चाहिए और सारे सवालों का आंसर जिसका आपको पता होगा, सारे सवालों का आप आंसर लिखेंगे। अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत, ईमानदारी के साथ करना है, ठीक है? डिस्कशन बाबू, डिस्कशन ना भी ईमानदारी से होना चाहिए। अगर जीवन में आप ईमानदारी बरतोगे तो आप कहीं से कुछ भी हासिल कर सकते हो। किसी भी सहारे का आपको ज़रूरत नहीं, आप बिना किसी सहारे का खुद से सब चीज़ हासिल कर सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको अपने आप से ईमानदार बनना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि आपको अपने आप से क्या करना होगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक और सेशंस क्या है, टॉपिक और सेशंस के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आज का टॉपिक और सेशंस बेसिकली दो पॉइंट्स पे टिका हुआ। आज हम लोग वेंटिलेशन के एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, कुछ शॉर्ट फायरिंग के एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, ये टॉपिक का मूल पार्ट रहेगा। और साथ ही साथ बाबू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का नॉलेज कितना है। तो चेक कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या है, आप एक कॉपी लेंगे, कॉपी में नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, 1 2 3 4 करके सभी नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, जितना सवाल मैं पूछूंगा उन सारे सवाल का नंबर के साथ आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको नहीं पता है, आपको अगर आंसर पता है तो आप आंसर लिखेंगे। सपोज जैसे मैंने पूछा वेंटिलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस कितना होता है एज पर ब्रिक, ब्रिक का बनाएंगे तो नॉर्मली 25 सेंटीमीटर का होता है, आप आंसर लिखोगे, ठीक है? अगर सही है तो सही है, मुझे रिप्लाई दोगे। तो अगर मान लो आप आंसर टाइप कर रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, आप टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप करने पर आप क्या करोगे, सही हुआ तो सही टिक कर दोगे, गलत हुआ तो गलत टिक कर दोगे। जितना आपका सही होगा उसको सही और गलत को गलत टिक करोगे। जहां पता नहीं होगा उसको आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे कि सर का सवाल यह था, इसका आंसर मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। और आप चाहते हो बाद में भी क्लास को देख के सर मैं नोट डाउन बाद में करूंगा, तो बाद में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है? ये कर लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, और आखिरकार जब आप पूरा एग्जाम कंप्लीट कर लोगे तो आपका जितना भी स्कोर होगा ना,
ये मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्या कि जितना भी आपका स्कोर होगा सभी स्कोर को आप क्या करोगे लास्ट में मुझे रिप्लाई करके, मुझे रिप्लाई किस में करोगे, मुझे मैसेज करके रिप्लाई नहीं करना है, कमेंट करना है आपको, है ना, इस वीडियो में कमेंट करना है टेलीग्राम में या फिर बाकी सब जगह से जो भी आपका स्कोर आता है उसको कमेंट करोगे, कमेंट करके बताओ कि आपका स्कोर कितना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग का प्रिपरेशन किस लेवल का है, मैं सही से करवा पा रहा हूँ कि नहीं, क्या मुझे बेसिक क्वेश्चन और बनाना चाहिए, हार्ड क्वेश्चन बनाना चाहिए, वो पता तभी चलेगा बाबू जब आप रिप्लाई दोगे। तो ये बेसिक चीज़ें रही, ये बुनियादी चीज़ें रही, आप इस तरह से क्लासेस को अपना ये करना स्टार्ट करो, तब हम लोग क्लास का सेशंस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बाबू। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चंस पे हम लोग लेते हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आज का सेशंस का पहला पार्ट है सवाल, ये दो चीज़। दूसरा चीज़ हम लोग थोड़ा मोटिवेशन टॉपिक्स पे बात करेंगे, थोड़ा चार्ज करेंगे अपने आप को, कैसे हम लोग बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं उस पे बात करेंगे। और तीसरा आज का सेशंस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, हम लोग जो आप लोग का कुछ सवाल जो बच्चों लोग पूछे उस पर हम लोग जवाब देंगे। तो ये तीन पार्ट में सेशंस पूरा डिवाइड है, हम लोग पहले अपना एमसीक्यू डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द आइसोलेशन स्टॉपिंग, अगर ब्रिक का आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाया जाए तो उसका थिकनेस क्या होगा, ब्रिक का अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं तो उसका थिकनेस क्या होता है, जल्दी से आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करके बताइए। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आपके सारे कमेंट्स को, आप अपना कमेंट करो, मैं यहाँ देख पाऊंगा आप लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हो। तो ब्रिक का जो आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है उसका थिकनेस क्या होता है, जल्दी से आप लोग रिप्लाई देकर बताइए, कम से कम उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, ब्रिक का अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे हम लोग तो उसका मिनिमम थिकनेस क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको रिप्लाई देकर बताना है, ठीक है। ब्रिक का अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे तो उसका थिकनेस क्या होगा, जल्दी से आपको रिप्लाई देकर बताना है, क्या होगा इसका थिकनेस, मिनिमम कितना हो जाएगा, वो मिनिमम अगर ब्रिक वॉल का आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे तो मिनिमम थिकनेस कितना होता है, मिनिमम थिकनेस होता है, थिकनेस होता है 1 मीटर, कितना होता है 1 मीटर, 1 मीटर का थिकनेस होता है, 1 मीटर मोटा होना चाहिए ब्रिक वॉल का बनाएंगे। यही वाला अगर ब्रिक वॉल ना होकर अगर ये आरसीसी का होगा, अगर यही वाला स्टॉपिंग अगर आरसीसी का बनाया जाए, आरसीसी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाए तो इसका थिकनेस क्या होगा, अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाए तो इसका थिकनेस क्या होगा। बहुत शानदार जवाब है, ठीक है, बहुत अच्छा गणेश, कितना हो जाएगा इसका जवाब, क्या हो जाएगा, बड़ा शानदार जवाब है। पवन, पवन शुभम रंजन, ठीक है, रितेश, सौरव, इंद्रजीत, अजय, नेमी, सभी को बहुत अच्छा, राहुल, प्रिंस, सूरज, भारती, सभी को बहुत, सभी का जवाब सही है। तो अगर ये आरसीसी का बनाते तो कितना थिकनेस होता है हम लोगों का, 0.5 मीटर, इसको हम लोग 50 सेंटीमीटर भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 50 सेंटीमीटर बोलते हैं। तो 50 सेंटीमीटर थिकनेस होता है अगर हम लोग आरसीसी का बनाएंगे तो 50 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है क्या होता है, हम लोग पैनल को सील करने के लिए हम लोग इसको बनाते हैं, पैनल को आइसोलेट करने के लिए होता है। इस तरह का स्टॉपिंग और भी कुछ होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग क्या होता है, सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग, ठीक है, और प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, तीनों एक ही टाइप के स्टॉपिंग है, तीनों का डायमेंशन सेम होता है, सिर्फ पर्पस के आधार पे, लोकेशन के आधार पे हम लोग इसका नाम अलग अलग रखते हैं, है ना, ये तीनों का मतलब सेम होता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में, तीनों सेम होता है, जैसे आपका नाम जो है, है ना, आपका नाम क्या, आपका घर का नाम चिंटू मिंटू हो सकता है, लेकिन स्कूल का नाम कैसा होगा, सौरभ होगा, है ना, सौरभ होगा, सुब्रजीत होगा, अजीत होगा, ऐसा अच्छे नाम होगा, लेकिन घर में क्या है, मोनू सोनू चिंटू मिंटू बुलाते हैं, तो उसी तरह ये सारे स्टॉपिंग्स क्या है ना, सेम ही है, लेकिन हम लोग इसका पर्पस के आधार पे, इसका यूज़ के हिसाब से हम लोग इसका अलग अलग नाम बुलाते हैं। जैसे प्रिपरेटरी, जैसे सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका माइंस बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है, और आप पूरा का पूरा एक साथ काम नहीं कर पाओगे, तब क्या करते हैं उस केस में, हम लोग माइंस को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट में। तो इसको डिवाइड करने के लिए जो स्टॉपिंग बनाते हैं उसी को बोलते हैं सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग। अगर कोई पैनल में काम हो रहा है, अगर पैनल को हमको आइसोलेट करना है, पैनल कोई पर्टिकुलर इस पार्ट में एक छोटा सा पैनल को आइसोलेट करना है, तो जो स्टॉपिंग बनाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेशन स्टॉपिंग। और एक स्टॉपिंग होता है प्रिपरेटरी। अब जैसे मान लो एक पैनल आप बनाए, पैनल में आपको कहीं से आना जाना है, कहीं एंट्री लेना है, कहीं से बाहर निकलना है, तो उस पार्ट में आने जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से स्टॉपिंग बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी। जैसे एक प्लान में दिखाता हूँ आपको, प्लान को देख लो थोड़ा सा, इस प्लान में आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी, है ना, ये मेरे ही माइंस का एक पुराना प्लान है, हम लोगों का मिला हुआ प्लान है, तो ओवरमैन हैंडमूड प्लान बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ ध्यान से देखो, जैसे एक पैनल है मेरा, तो ये जो स्टॉपिंग्स आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दीज आर आइसोलेशन स्टॉपिंग, है ना, ये ट्रैक बिछा हुआ और इतना सारा पिलर है मेरा, और ये क्या दिख रहा है, पैनल दिख रहा है, तो इस स्टॉपिंग्स को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन स्टॉपिंग। और ये जो आप देख रहे हो, जैसे यहाँ ट्रैक लाइन बिछा हुआ, ये ट्रैक बिछा हुआ, ये ट्रैक बिछा हुआ, तो ट्रैक क्या आइसोलेशन स्टॉपिंग तोड़ के घुसेगा बाहर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा गेट जैसा छोड़ देते हैं, इनकम्प्लीट आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है, पूरा पूरी इसको कम्प्लीटली हम लोग बंद नहीं करते, इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, ठीक है। तो इसी का थिकनेस का बात कर रहे थे हम लोग, कितना होता है, 1 मीटर का थिकनेस होता है, 1 मीटर का थिकनेस का आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते, ये होता है मोटा मोटी बात, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ने का मौका मिलेगा और भी सारा चीज़ सवाल आएगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे बाबू, अगर मान लो कि हम लोग ग्रुप्स कटिंग करना है, जो आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है ना, तो हम लोग दीवार में खांजा ग्रुप्स कटिंग करके बनाते हैं, तो ग्रुप्स कटिंग कितना मीटर करना होता है, अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग हो तो ग्रुप्स कटिंग कितना मीटर ग्रुप्स कटिंग करना होता है,
कितना मीटर ग्रुप्स कटिंग करना जरूरत पड़ता है, फटाफट रिप्लाई देके बताओ, है ना। ग्रुप्स कटिंग कितना मीटर का ग्रुप्स कटिंग करना होता है, इसका रिप्लाई देके बताओ, ठीक है। जल्दी से की के बारे में बता देता हूँ, की एक सवाल पूछा, की के ऊपर बताते हैं। अगर मान लो ग्रुप्स कटिंग करना, अगर इन पर कोल पे करना, कोल अगर मेरा रूफ में क्या कोल हो, कोल में अगर ग्रुप्स कटिंग करना है तो ग्रुप्स कटिंग कितना होता है, कितना ग्रुप्स कटिंग करना होता है, वेरी गुड। ग्रुप्स कटिंग कितना होता है, 1 मीटर का ग्रुप्स कटिंग होता है कोल फेस में अगर करेंगे तो, 1 मीटर का होता है, ठीक है ना। अगर यही वाला अगर सेल शैल में करेंगे तो कितना होगा, शैल में कितना होगा, सैंडस्टोन में कितना होगा, सेल में कितना होगा, सैंडस्टोन में कितना होगा, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, फिर हम लोग नया टॉपिक पे जाएंगे। ये पुराना टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, फिर से हम लोग नया टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे जल्दी से। तो अगर शैल होता तो कितना होता है, शैल में 30 सेंटीमीटर का ग्रुप्स कटिंग होना चाहिए, और सैंडस्टोन अगर रहता है बाबू तो हम लोग कितना करते हैं, 15 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, ग्रुप्स कटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 सवाल हो गया जिसके बारे में हम लोग जाने कि शैल में कितना होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, और सैंडस्टोन में कितना होता है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर आप लोग का आ रहा है। 15 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स कटिंग करते हैं, 15 सेंटीमीटर का ग्रुप्स कटिंग होता है। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो आप लोग, ठीक है ना, बहुत शानदार जवाब है आप लोगों का, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि इस सेशन में आपको कोई फ्रेंड वगैरह इसको जोड़ना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर उसके साथ इस ग्रुप को शेयर करो, ताकि बाकी बच्चे भी इस क्लास के साथ जुड़ पाए, है ना। तो बाकी बच्चों को जोड़ने के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दें, है ना, प्लीज़ शेयर कर दो, ताकि बाकी बच्चे भी क्या हो, इस ग्रुप इस क्लास के साथ जुड़ पाए, है ना, क्लास के साथ जुड़ पाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स किसके ऊपर, अब हम लोग देखते हैं कि आपका ये हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं। जो हम लोग का फेस, फेस को वेंटिलेट करने के लिए जो पंखा का इस्तेमाल करते हैं उस कौन सा पंखा बोलते हैं हम लोग, जो फेस को वेंटिलेट करने के लिए जो पंखा इस्तेमाल होता है उस पंखा का नाम क्या, उसको कौन सा पंखा बोलते हैं। विच फैन इज यूज टू वेंटिलेट द फेस, वन और मोर फेस, एक या एक से अधिक फेस को अगर हमको वेंटिलेट करना है तो जिस पंखे का इस्तेमाल करेंगे उस पंखे को क्या कहेंगे, आपको रिप्लाई देके बताना है। उस पंखा को क्या कहते हैं बाबू, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी फैन, ऑक्सिलरी फैन बोला जाता है, ठीक है, ऑक्सिलरी फैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑक्सिलरी फैन, ऑक्सिलरी फैन। तो ऑक्सिलरी फैन क्या होता है, जिसमें हम लोग फेस को वेंटिलेट करने के लिए होता है। इस पंखा के साथ क्या होता है, एक पाइप लगा होता है, डक्ट पाइप लगा होता है, एक डक्ट पाइप लगा था जो फेस तक एडवांस किया रहता है। ये डक्ट पाइप फेस से कितना मीटर तक एडवांस किया बनेगा, कितना मीटर तक होना चाहिए, फेस से कितना मीटर दूर तक होना चाहिए, जो डक्ट पाइप आप देख रहे हो, ये जो डक्ट पाइप होता है फेस से कितना मीटर दूर तक होता है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत शानदार जवाब है, आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है। चलो तो क्या होगा इसका, क्या होगा जल्दी से, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, किसी भी फ्रेंड को जोड़ना है तो आप जल्दी से उसको क्या करो, जोड़ दो, ताकि वो भी क्लास का आनंद ले पाए, वो भी क्लास से कुछ सीख पाए, आपका कोई दोस्त वगैरह है तो, है ना, क्लास से सीख पाए। आप लोगों को जानकर बाबू बहुत हैरत होगा, हम लोग जो लाइव सेशंस जो हम लोग क्लास लेते हैं ना, क्लास में YouTube में, मतलब YouTube से ज़्यादा बच्चे क्लास में मौजूद रहते हैं, है कि नहीं, आपको जानकर ये बहुत हैरत होगा। अभी बहुत कम बच्चे जहाँ पे जुड़े हुए इस क्लास में, मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि फ्री का जो चीज़ होता है ना उसमें वैल्यू बहुत कम होता है, रियलिटी है ये, फ्री का जो चीज़ होता है ना सच में वैल्यू कम होता है। अब देखो मैंने फ्री में सिखाना स्टार्ट किया, बता रहा हूँ एक चीज़ को डिस्कशन कर रहा हूँ, तो बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, बहुत अफसोस की बात है। वही मेरे क्लास में जो मैं फ़ी पे करके लेता हूँ उसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं, मिनिमम इतना बच्चा होता तो हम लोग क्लास को स्टॉप कर देते हैं, जितने बच्चे अभी 95 के आसपास जुड़े हुए हैं, इतना बच्चा क्लास एंड करते करते तक लास्ट तक इतना बच्चा रहता है मौजूद, ठीक है ना। आपको यकीन नहीं है तो क्लास यहाँ पे ग्रुप में कोई बच्चा मौजूद है तो यस और नो में रिप्लाई देके बता दे, मैं थोड़ा चैट को ऑन कर देता हूँ, आप भी थोड़ा देख लो, अगर मेरी बातें अगर आपको पता है, जिसको मेरी बातें पता है एक बार रिप्लाई देके थोड़ा समझा दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यस और नो, है ना, क्या हमारे क्लास में ऐसा होता है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ आप रिप्लाई देके बताओ, देखो सारे बच्चों को रिप्लाई आ रहा आपका, है ना, जो बच्चा क्लास में मौजूद है एक बार फिर से रिप्लाई देके समझा दो कि ये बात सच है कि नहीं, है ना, सही है। चलो तो इतना ऐसा होता है, ऐसा कंडीशन होता है, सारे बच्चे जुड़ते हैं ना, वो ऐसा होता है, ठीक है बाबू। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेशन पे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, कुछ लोगों का चैट चैट दिखेगा, ये बात तो एकदम 100% सच है, ज़्यादा बच्चे क्लास में रहते हैं, ये तो बहुत कम बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, है ना, बहुत ये बुरा बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, वो पंखा कौन सा है, ठीक है, वो कौन सा पंखा है जो पूरा माइंस को वेंटिलेट करता है, पूरा माइंस को वेंटिलेट करने के लिए जिस पंखे का इस्तेमाल करते हैं उस कौन सा पंखा है, वो कौन सा पंखा है जो पूरा माइंस को वेंटिलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है,
कौन सा पंखा होता है जो पूरा माइंस को वेंटिलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा पंखा होता है, कौन सा पंखा होता है जो पूरा माइंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएमबी इंस्टॉलेशन ऑफ एमएमबी के बारे में कौन सा सीएमआर में जिक्र किया गया, सवाल एक्चुअली मेरा ये है। सीएमआर नंबर आपको बताना है, कौन सा सीएमआर कोल माइंस रेगुलेशन का कौन सा रेगुलेशन नंबर में ना एमएमबी के बारे में बताया गया, कौन सा रेगुलेशन नंबर है एमएमबी से रिलेटेड। एमएमबी मतलब मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है ना, ठीक है। तो एमएमबी से रिलेटेड जो कौन सा रेगुलेशन में ना इसका जिक्र किया गया, रेगुलेशन नंबर क्या है जिसमें इसका जिक्र किया गया, तो सीएमआर नंबर कितना है 154, सीएमआर नंबर कितना है 154 में इसके बारे में जिक्र किया गया है एमएमबी के बारे में, ठीक है। अच्छा, एमएमबी का जांच कितने दिनों पे, कितने अंतराल पे किया जाएगा, एमएमबी का जांच कितने अंतराल पे किया जाएगा, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, एमएमबी का जांच कितने अंतराल पे किया जाएगा, एमएमबी का जांच कितने अंतराल पे किया जाता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, एमएमबी का जांच कितने अंतराल पे किया जाएगा, एमएमबी का जांच कितने अंतराल पे किया जाता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, एमएमबी का जांच कितने अंतराल पे करते हैं हम लोग, तो वंस इन ए 7 डेज, कम से कम 7 दिन में एक बार करके इसका जांच होता है, 7 दिनों में एक बार करके इसका जांच होता है। एमएमबी का एफिशिएंसी, एमएमबी मेरा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसका एफिशिएंसी निकालना है, कितने अंतराल पे इसका एफिशिएंसी निकाला जाता है, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर पंखा का एफिशिएंसी निकालना है ना, एमएमबी का एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी हमको जानना है कि पंखा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, तो इसकी एफिशिएंसी हम लोग कितने अंतराल पे निकाला जाएगा, कितने अंतराल पे इसका हम लोग एफिशिएंसी निकाल के जांच करेंगे कि हाँ पंखा मेरा ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक ठाक हो रहा है इसका, ठीक है। एफिशिएंसी का जांच कितना होता है, 3 मंथ्स में एक बार करके इसका एफिशिएंसी का जांच होता है, हम लोग एमएमबी का एफिशिएंसी का जांच कितने अंतराल पे करते हैं, तो 3 महीने में एक बार करके इसका एफिशिएंसी का जांच होता है। आप लोग लिख रहे हो ना कितना सवाल सही जवाब गलत कर रहे हो, है ना, लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा बाबू, इसलिए लिख के करना काम बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको हमेशा लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूँ, जेन्युइन क्वेश्चन देखता हूँ कौन बच्चा अच्छा से प्रिपरेशन करता है। अब बताओ, अगर क्रॉस सेक्शन अगर मेरा घट जाए तो एयर का क्वांटिटी बढ़ेगा या घटेगा, क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग घटा देंगे तो एयर का क्वांटिटी घटेगा या बढ़ेगा, आपको जवाब देके बताना है। अगर किसी भी गैलरी का क्रॉस सेक्शन को अगर घटा देंगे हम लोग तो एयर का क्वांटिटी घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, आपको बताना, जल्दी से बताओ, क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग घटा देंगे तो एयर का क्वांटिटी घट जाएगा ना बढ़ जाएगा, सेम गैलरी में क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग घटा देंगे तो एयर का क्वांटिटी घट जाएगा बढ़ जाएगा, मैं चेक करता हूँ आप लोगों का नॉलेज कितना तगड़ा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, देखो यही सब है वजह है ना कि एग्ज़ाम में ना टीचर का जरूरत पड़ता है और आप लोग फेल होते हो, इसीलिए क्लास में टीचर का जरूरत पड़ता है बाबू, इसीलिए बच्चे फेल होते हैं। तुमको अब सबको देख से मान लो आंसर मारे क्या बढ़ेगा, ठीक है ना, सब बोले इंक्रीज़ होगा, सपोज आपने बोला इंक्रीज़ होगा, मैंने क्या कहा क्रॉस सेक्शन को घटा देना था, आपने क्या कहा इंक्रीज़ होगा, सवाल दो था डिक्रीज़ और इंक्रीज़ था, इंक्रीज़ और डिक्रीज पे पॉइंट था, आपने क्या किया, आपने इंक्रीज़ पे क्वेश्चन को टिक मार दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सवाल का आंसर आप लोग गलत दे दिए, इसमें आपको समझना चाहिए था कि मेरा सवाल क्या है, और इसीलिए आपका चयन नहीं होता एग्जामिनेशंस में, आप बोलते हो कि सर मैं तो सही मार्क आया था मेरा चयन नहीं हुआ, रोने से नहीं होगा बाबा, सही टिक करना पड़ेगा, ना तो इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा, गैलरी सेम है मेरा, क्वांटिटी यदि मान लो कि यहाँ पे क्वांटिटी मेरा सपोज मान लो 1000 मीटर की फ्लो हो रहा है, 1000 मीटर की अगर फ्लो हो रहा है यार 1000 मीटर की पर मिनट, अगर यहाँ पर आप क्वांटिटी को अगर गैलरी को थोड़ा छोटा बना दोगे ना तो क्वांटिटी सेम रहेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी क्या होगा बाबा, क्वांटिटी यहाँ पे 1000 मीटर की पर मिनट ही होगा, 1000 मीटर की पर मिनट होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा लेकिन क्या वेलोसिटी बढ़ जाएगा, आपका क्या होगा वेलोसिटी जो होगा ना वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होगा इंक्रीज होगा लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगा, है ना। तो आप लोग क्या कि यहाँ पे गलत हो गए, आप लोग गलत हो गया आपका जवाब, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी बढ़ेगा ना कि क्वांटिटी, क्वांटिटी में नो चेंज ओनली वेलोसिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, बेसिक नॉलेज से सवाल होता है, अगर इस सारे सवाल को गलत करो एग्जाम में आने वाला सिनेरियो उसी का है, आने वाला सिनेरियो में लिख के देता बाबू इसी सारे सवालों का है जो मैंने अभी पूछा था, ऐसे एग्जामिनेशन में हमेशा सवाल पूछेगा, अगर तुम ठीक ठाक नहीं प्रिपरेशन करोगे तो हमेशा फेल होगे, और 1-2 नंबर ही मायने रखता है आजकल, आज फेल होने के लिए असफल होने के लिए 2-4-10 नंबर लाना कम लाने से नहीं, 1-2 नंबर कम लाओगे उतना ही आपके लिए सफिशियंट है, आपका नाव डुबाने के लिए है ना, आपका जीवन का नैया डुबाने के लिए उतना ही नंबर काफ़ी है आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, तो क्वांटिटी के बारे में समझ में आया ऐसा होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर वो डिजिटल टाइप ना हो एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एयर वेलोसिटी एक्चुअली मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एयर वेलोसिटी मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, वेरी गुड, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा था वो फिर आप लोग गलत कर रहे हो, देखो जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे जो एनालॉग हो,
एनालॉग है ना, एनालॉग। तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होता है, एक होता है वेन एनीमोमीटर, वेन एनीमोमीटर। आप लोग सिर्फ क्या बोल रहे हैं, आप लोग एनीमोमीटर बोल रहे हैं है ना, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर नहीं होगा, एनीमोमीटर के साथ वेन वर्ड जोड़ना पड़ेगा। वेन एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिस अपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, वेन एनीमोमीटर, जो आप लोग देखे हो है ना, इस तरह का देखे होगे, एक गोल करके डायल लगा है, पंखी लगा हुआ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेन एनीमोमीटर बोलते हैं, वेन एनीमोमीटर कहलाता है ना, वेन एनीमोमीटर। ठीक है, तो वेन एनीमोमीटर में लगा हुआ सबसे बड़ा काटा, सबसे बड़ा डायल, ठीक है, कितना यूनिट तक मापता है, कितना यूनिट तक एयर वेलोसिटी को मापता है। वेन एनीमोमीटर में लगा हुआ सबसे बड़ा डायल, सबसे बड़ा काटा कितना, देखो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है बाबू, है ना, सिर्फ पढ़ लिए, पढ़ के चले गए, आंसर मार दिए, नहीं इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में एक्यूरेसी, शार्पनेस दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, आप जवाब दे रहे एनीमोमीटर परफेक्ट है, सही है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, सही है लेकिन परफेक्ट नहीं। परफेक्ट क्या है, वेन एनीमोमीटर। ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना मीटर तक मापता है बड़ा डायल, तो 100 मीटर तक ये माप सकता है, वेरी गुड, 0 से 100 मीटर तक ही माप सकता है, मैक्सिमम 100 मीटर तक मापता है वेन एनीमोमीटर में, जो बड़ा वाला काटा होता है कितना 100 मीटर तक मापता है, 100 मीटर एक राउंड एक सर्कल लगाएगा तो 100 मीटर उसमें रीडिंग होता है, ये मापता है। ठीक है, छोटा वाला उसके बाद जो होता है 1000, फिर 10000, फिर 1 लाख, मैक्सिमम एनीमोमीटर अगर सब काटा घूम जाए पूरा एक राउंड तो 1 लाख तक माप सकता है, ये 1 लाख तक मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ये जो एनीमोमीटर बारे में बात करें, इसका कैलिब्रेशन कितने अंतराल पे होता है, इसका जो कैलिब्रेशन करते हैं वो कितने अंतराल पे इसका कैलिब्रेशन करते हैं, इसका कैलिब्रेशन मैं पढ़ाने के, मैं हर एक सवाल के साथ ना उसके बारे में छोटा छोटा पॉइंट्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके एग्जामिनेशन में काम आए, है ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ जो टॉपिक है वही बता रहा हूँ, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है मैं वो भी बता रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अभी लिख नहीं पा रहे हो, आप अभी टाइप कर रहे हो, तो बाद में इस वीडियो को देख के लिख लेना, कोई बहुत बड़ा टाइम लगेगा नहीं, बहुत छोटा छोटा क्लासेस है, लेकिन आपका इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करेगा, है ना, नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो तो वेन टाइप एनीमोमीटर का हम लोग कितना इंटरवल पे हम लोग करते हैं इसका, कितना इंटरवल पे करते हैं बाबू, तो हम लोग करते हैं इसका कितना इंटरवल पे करते हैं हम लोग, तो 6 मंथ होगा, 6 मंथ। आप लोग के नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितना भी एयर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका वेलोमीटर हो गया, एनीमोमीटर हो गया, है ना, ये सारा चीज़, वेलोमीटर ये डिजिटल वाला है ना, वेलोमीटर क्या होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी क्या करता है, वेलोसिटी को मापता है ना, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, क्या करता है, वेलोसिटी को मापता है ये। तो वेलोमीटर को भी 6 मंथ में, एनीमोमीटर को 6 मंथ में, PDS जो होता है, पर्सनल डस्ट सैम्पलर, 6 मंथ में कैलिब्रेशन होता है, सबका सब क्या होता है, 6 मंथ में होता है। और जितना भी गैस एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है बाबू, जितना भी गैस रिलेटेड एग्जामिनेशन है, जैसे तुम बोलोगे सर गैस रिलेटेड क्या है, जैसे मिथेनोमीटर हो गया, CO डिटेक्टर, ऑक्सीमीटर, ठीक है, जितना भी आपका CO2 मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट जो आपका है, हर एक इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन होगा 3 मंथ में, 3 मंथ के अंदर आपको करवाना है, लेकिन इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट होता है सबको 6 महीने में करवाना होता है, ये आपको ध्यान में रखना, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मोटा मोटी यहाँ सबको बात समझ में आ गया कि 3 मंथ वाला कौन कौन है ये, तो कभी भी आपसे कोई पूछे तो अब से आप लोग गलत मत करना कि जो गैस इंस्ट्रूमेंट हम लोग जाँच करते, इसे गैस का जाँच होता है, वो 3 महीने में एक बार करके उसका कैलिब्रेशन करवाते हैं हम लोग, और वह इंस्ट्रूमेंट जो गैस का जांच नहीं होता, उसके अलावा जैसे PDS हो गया, एनीमोमीटर हो गया, इस सब का हम लोग 6 महीने में करके एक बार करके जांच करते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, MMV का प्रेशर का जांच करना है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का हमको क्या करना है, प्रेशर को मापना है। प्रेशर को मापने के लिए जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है, जो अपरेटर लगा होता है, उस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, MMV का प्रेशर को जांच करने के लिए जिस अपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। MMV को जांच करने के लिए जिस प्रेशर मापने के लिए जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग मैनोमीटर। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने जवाब दिया, बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा लगा सुनकर आपका जवाब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। यू ट्यूब जैसा होता है, यू शेप का होता है मैनोमीटर। उसका खास बात होता है, इसका रीडिंग बीच में 0 होता है, इधर इंक्रीज करता है और इधर इंक्रीज करता है ना, इसे बीच में 0 होता है, दोनों साइड क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका एक पॉइंट जो है पाइप के सहारे हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा फैन हाउस है, फैन घर है ना, ये फैन घर के साथ जुड़ा रहता है, फैन हाउस के साथ, फैन जहाँ रहता है ना, फैन हाउस में ही लगा रहता है। ठीक है, और दूसरा सिरा क्या होता है, ओपन एयर में होता है ना, ओपन एयर में होता है। ठीक है, ये होता है, और इसमें क्या होता है, ये MM में इसका यूनिट क्या होता है, MM में मिलीमीटर में अपना यूनिट में हम लोग ये दिखाता है, MM में इसका यूनिट को हम लोग मापते हैं, ये इसका होता है। एक वाटर गेज बराबर 9.81, ठीक है, पास्कल के बराबर होता है, ठीक है, इतना पास्कल के बराबर होता है, 1 mm बराबर, ठीक है, तो हम लोग इससे मापते हैं। एटमोस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किस अपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, माइंस में एटमोस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किस अपरेटस का इस्तेमाल किया था, जल्दी से रिप्लाई देकर बताएं। माइंस में एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस अपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, माइंस में एटमोस्फेरिक का प्रेशर मापने के लिए, एटमोस्फेरिक मतलब माइंस में माप कीजिए, कहीं पर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए
किस एपरेटस का इस्तेमाल होता है, कौन सा डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहीं पर भी एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर मापना हो तो कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम लोग बैरोमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग? बैरोमीटर। बैरोमीटर बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं हम लोग? बैरोमीटर बोला जाता है, बैरोमीटर बोला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड अनिश। चलो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतोष, वेरी गुड। मेरे तो लग रहा सारे बच्चे, लग रहा क्लास वाले सारे जुड़े हुए हैं। चलो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। चलो तुम लोग का रिविजन हो जा रहा फिर से एक बार, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। चलो एयर क्रॉसिंग, अच्छा एक सवाल, दूसरा सवाल, जो हम लोग का इनटेक एयर होता है, इनटेक एयर का कलर कोड क्या होता है? इनटेक एयर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका कलर कोड क्या होता है? इनटेक एयर का कलर कोड क्या होता है? इनटेक एयर का कौन सा कलर से हम लोग दिखाते हैं? जो माइन से मेरा इनटेक एयर होता है ना, उसका कलर क्या होता है? इनटेक एयर का कलर क्या होता है? तो इनटेक एयर को हम लोग ऐसा क्या करते हैं, हम लोग ब्लू, कौन सा कलर दिखाते हैं? ब्लू कलर से हम लोग दिखाते हैं। ब्लू कलर से इनटेक हवा को दिखाया जाता है। इनटेक के लिए हमेशा ब्लू कलर का इस्तेमाल होता है। ब्लू कलर से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। इनटेक एयर को किससे दिखाते हैं? हमेशा हम लोग ब्लू कलर से दिखाते हैं, ठीक है। वाटर सील पाइप जो होता है, वाटर सील पाइप का शेप क्या होता है? द शेप ऑफ द वाटर सील पाइप, वाटर सील पाइप किस शेप का होता है? वेरी गुड, ब्लू कलर से दिखाते हैं, परफेक्ट आंसर है। चलो वाटर सील जो होता है ना, उसका शेप, ये कौन सा शेप का वाटर सील बनाते हैं हम लोग? किस शेप का वाटर सील होता है? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है। कौन सा शेप का वाटर सील बनाते हैं बाबू हम लोग? वाटर सील का शेप क्या होता है? तो हम लोग जो वाटर सील बनाते हैं उसका शेप क्या होता है? वो शेप होता है यू, यू शेप का होता है, यू शेप का होता है, यू शेप का होता है। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आपको ये बताना है ना, यू शेप का होता है। सवाल ये बाबू कि स्टॉपिंग के बाहर, जैसे ये स्टॉपिंग मेरा, स्टॉपिंग के बाहर ये एक नंबर वाला पॉइंट होगा ना, दो नंबर वाला, स्टॉपिंग के बाहर कौन सा रहेगा? एक वाला रहेगा ना, दो वाला रहेगा? आइसोलेशन स्टॉपिंग में लगाते हैं, आपको पता है वाटर सील पाइप, तो वाटर सील पाइप लगाएंगे तो एक नंबर वाला पॉइंट और दो नंबर वाला पॉइंट, दो ओपनिंग है, तो कौन सा ओपनिंग स्टॉपिंग के बाहर की ओर रहेगा? एक नंबर वाला रहेगा ना, दो नंबर वाला रहेगा? कौन सा ओपनिंग को हम लोग स्टॉपिंग के बाहर की ओर रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कौन सा रखते हैं बाबू? हम लोग इसमें रखते हैं दो नंबर वाला जो होता है, हम लोग उसको बाहर की ओर रखते हैं, ये वाला परफेक्ट आंसर है। मतलब ये दीवार रहेगा, यहाँ गोफ रहेगा, है ना, गोफ रहेगा, और इधर में क्या रहेगा? इधर मेरा मतलब वर्किंग का एरिया रहेगा, वर्किंग का पार्ट रहेगा, इधर आप लोग जा सकते हो, है ना। और ये वाला गोफ रहेगा, ये वाला गोफ के अंदर ये वाला होगा, पानी इधर से आके यहाँ पर हम लोग पानी भर देंगे, है ना, और यहाँ से पानी गैस तो नहीं निकलने देगा लेकिन पानी यहाँ से फ्लो होकर निकल सकता है। तो ये होता है वाटर सेल का कंसेप्ट, मेनली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, अगर मान लो किसी भी माइंस में, ठीक है, किसी भी माइंस में अगर मटेरियल और एयर दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो, सेम डायरेक्शन में फ्लो, मटेरियल और एयर सेम डायरेक्शन में अगर फ्लो होता है, तो ये जो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कौन सा वेंटिलेशन सिस्टम है? किस तरह का वेंटिलेशन सिस्टम है? मटेरियल और जो आपका एयर दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, किस तरह का वेंटिलेशन सिस्टम ऐसा होता है? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। क्या होगा इसका जवाब? क्या हो जाएगा? मटेरियल और एयर का फ्लो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। किस तरह का वेंटिलेशन सिस्टम है? मटेरियल और एयर का फ्लो सेम डायरेक्शन में होता है। क्या हो जाएगा इसका जवाब? कौन सा होता है, किसमें हम लोग करते हैं? मटेरियल और एयर का फ्लो सेम डायरेक्शन में। किसमें करते हैं हम लोग सेम डायरेक्शन में, है ना? थोड़ा सा लाइट को इम्प्रूव कर दिए पहले से, अच्छा लग रहा है स्क्रीन। चलो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेम डायरेक्शन में होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोट्रोपल। क्या बोलते हैं हम लोग? होमोट्रोपल, होमो HOMOTROPL, होमोट्रोपल। अगर उल्टा हुआ तो क्या बोलेंगे? एंटीट्रोपल, है ना, एंटीट्रोपल, एंटीट्रोपल, ठीक है, ये होता है। अच्छा होमोट्रोपल होना अच्छा है ना, एंटीट्रोपल होना है? अच्छा माइंस के लिए किस तरह का वेंटिलेशन अरेंजमेंट होना सबसे अच्छा है? होमोट्रोपल होने से ठीक ठाक है बाबू, या एंटीट्रोपल होने से ठीक ठाक है? माइंस में वेंटिलेशन के लिए कौन सा अरेंजमेंट होना सबसे अच्छा बात है? कौन सा वेंटिलेशन अरेंजमेंट ठीक है? कोई बात नहीं, गलती से टाइप हो गया तो क्या करोगे बोलो, है ना, अब जो हो गया टाइप तो उसको बदल तो नहीं सकते। चलो लाइट की वजह से, अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, लाइव चैट में देखता हूँ, अच्छा लाइट की वजह से आपको ठीक लग रहा है या फिर लाइट को बंद कर दे, जो एक्स्ट्रा एक लाइट जलाए हैं इसको बंद कर दूँ क्या? पहले ठीक था ना, अभी ठीक है? पहले ठीक था ना, अभी ठीक है? पहले या अभी? बस पहले वाला ठीक था लाइट या अभी ठीक है? देखो तो पहले ठीक था या अभी ठीक है? बंद कर दीजिए। चलो
तो मेरा इसका मतलब, चलो बंद कर देता हूँ, अब ठीक है ना, पहले से अच्छा है। बहुत लोग रिप्लाई, सर ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दिया मैंने। चलो तो ये क्या हो गया, इसका एंटी ट्रिपल बोलते हैं। एक और अरेंजमेंट होता है बाबू, अगर मान लो माइंस, अगर मेरा अगर माइंस में ठीक है, अगर माइंस में ठीक है, माइंस में अगर वेंटिलेशन ऐसा हो कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट के पैन, डिस्ट्रिक्ट के डीप से लेके डिस्ट्रिक्ट का डीप में एंट्री करा के हम लोग राइस से अगर रिटर्न करवाएंगे, इनटेक कहाँ होगा, डीप में होगा। डीप से मेरा क्या होगा, डीप से मेरा इनटेक होगा ठीक है, और रिटर्न कहाँ से होगा, राइस से मेरा क्या होगा, राइस से रिटर्न होगा, राइस से क्या होगा, रिटर्न होगा। तो इस तरह का वेंटिलेशन अरेंजमेंट अगर किसी माइंस में किया जाए तो इसको कौन सा वेंटिलेशन अरेंजमेंट बोलते हैं, ये कौन सा वेंटिलेशन अरेंजमेंट के बारे में बोल रहा है, इसमें डीप से राइस की ओर हवा फ्लो कर रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीप से अगर राइस की ओर जाती है हवा तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डीप से राइस जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेशनल वेंटिलेशन बोलते हैं। डीप से अगर हवा राइस की ओर जाना स्टार्ट करे तो हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग एसेशनल वेंटिलेशन बोलते हैं, है ना, एसेशनल वेंटिलेशन अरेंजमेंट। ठीक है, क्या होता है इसमें, डीप से राइज होता है, डिसेशनल में क्या होता है, राइज से डीप होता है, ये दो तरह हम लोग वेंटिलेशन करते हैं। अब आपको बताना है बाबू, अगर मेरा माइंस ठीक है, जैसे एक सवाल बहुत पूछता है, सवाल एक आता है हमेशा कि अगर हॉट एंड डीप माइंस हो ठीक है, हॉट और डीप माइंस हो, गर्म माइंस हो और पानी का जमा होने का खतरा हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, हम लोग क्या करते हैं उसमें, हम लोग इसमें से एक वेंटिलेशन अरेंजमेंट चूज करना होता है, तो कौन सा अरेंजमेंट चूज करेंगे, किस तरह का वेंटिलेशन हमें चूज करना होगा अगर हॉट एंड डीप माइंस है। सर आपके क्वेश्चन से पहले ही आंसर टाइप हो जा रहा है क्या, हाँ कुछ बच्चे तो टाइप कर दे रहे हैं ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, हम लोग क्या करते हैं, तो उस केस में हम लोग डिसेशनल वेंटिलेशन जो अरेंजमेंट है, हम लोग डिसेशनल वेंटिलेशन अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। डिसेशनल वेंटिलेशन अरेंजमेंट क्या होगा, ये देखो एक्चुअली ना, पहले आंसर टाइप नहीं करा, आपका नेटवर्क स्लो होगा या आपका मोबाइल में जो यूट्यूब का जो वर्सन अपडेटेड होगा वो नहीं, अपडेट नहीं किए होंगे, दैट्स वाई ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बच्चे तो सुनने के बाद ही रिप्लाई दे रहे हैं, है ना, टोटल 116 बच्चा जुड़ा हुआ है क्लास में ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसके बाद हम लोग लेते हैं इस सवाल को लेते हैं, ये भी सवाल बहुत अच्छा लग रहा मुझे ठीक है। हाइग्रोमीटर, व्हीलिंग हाइग्रोमीटर से किस चीज़ का मेजरमेंट किया जाता है, वन वर्ड में परफेक्ट आंसर चाहिए, व्हीलिंग हाइग्रोमीटर में किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, व्हीलिंग हाइग्रोमीटर में किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज व्हीलिंग हाइग्रोमीटर यूज टू मेजर, द व्हीलिंग हाइग्रोमीटर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका इस्तेमाल किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। एक बार में परफेक्ट आंसर चाहिए बाबू, मैं बार बार बोलता हूँ परफेक्ट आंसर देना सीखो, बहुत अच्छा तुम लोग सीख गए हो, बहुत लोग लेकिन अभी भी गलत कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे जो भी लिखा है ह्यूमिडिटी वो सब गलत है, ह्यूमिडिटी गलत जवाब है, इसका परफेक्ट जवाब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दोनों में बहुत अंतर है। रिलेटिव वर्ड मतलब होता है सापेक्ष, सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं हम लोग आर्द्रता को डायरेक्ट नहीं मापते, हम लोग कंपेरिजन में मापते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करते हैं, हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते, तो व्हीलिंग हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापा जाता है ना, तो ये जवाब आपको परफेक्ट पता होना चाहिए कि ये मापते हैं हम लोग ठीक है, ठीक है, क्या मापते हैं हम लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं। चलो तो ये ध्यान में रखना तुम लोग आपसे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, इसका आरपीएम तो आप लोग को पता ही होगा, आरपीएम बताने की जरूरत नहीं है ठीक है, इसका आरपीएम बता दो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख के एक बार दे दो रिप्लाई। एक सवाल लास्ट में पूछूंगा इसी वेंटिलेशन से, फिर शॉर्ट फायरिंग में जाएंगे। आरपीएम कितना होता है, 200 आरपीएम होता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बहुत बार तुम लोग जवाब दियो। पीटर ट्यूब का शेप क्या होता है, पीटर ट्यूब, व्हाट इज द शेप ऑफ द पीटर ट्यूब, व्हाट इज द शेप ऑफ पीटर ट्यूब, पीटर ट्यूब जो होता है, पीटर ट्यूब जो होता है उसका शेप क्या होता है, किस शेप का पीटर ट्यूब होता है, पीटर ट्यूब जो इस्तेमाल किया है उसका शेप क्या है, किस शेप का पीटर ट्यूब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका शेप क्या रहता है बाबू, उसका शेप के बारे में बताना। पीटर ट्यूब का शेप क्या होता है ना, पीटर ट्यूब का शेप क्या होता है, बहुत बहुत बुरा लगा मुझे फिर से ये जानकर के आप लोग बहुत सारे लोग गलत किए,
पीटर ट्यूब कैसा दिखता है? पीटर ट्यूब ऐसा होता है, आप देखिए पीटर ट्यूब का भी ऐसा दिखता है। ये किस एंगल से आपको लग रहा है कि ये वाला आपका यू शेप का है? ये यू शेप आप लोग जो जवाब दे रहे हो, किस एंगल से आपको यू लग रहा है? ये अल्फाबेटिकल रूप से कौन सा एंगल आपको यू लग रहा है? तो जितना ही बच्चा यू जवाब दिया था ना, सबको अपना आंसर काट लो। देखो इसीलिए ना तुम लोग एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूँ ना, पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ को अच्छा से जानना पड़ेगा। क्लासेस का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ही होता है बाबू कि हम लोग हर चीज़ को ना बारीकी से समझाते हैं और बताते हैं, गलत नहीं होता एग्जाम में। सवाल देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था लेकिन गलत कर दिए, है ना। शेप क्या होगा? एल शेप होगा, है ना, इसलिए ज़रूरत होता है। माइंस में कूलिंग, माइंस में एयर का कूलिंग पावर मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? माइंस में हवा का कूलिंग पावर मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? माइंस में, अमित कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन, माइंस में, ठीक है, माइंस में, ठीक है, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? अब तुम लोग गलत किया तब कभी गलत नहीं करेगा, है ना। तो सेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, इस सेशंस का करो और थोड़ा शेयर करो यार, थोड़ा बताओ लोगों को। फ्री में जब मैं करवा रहा हूँ ना तो क्लास से ज़्यादा बच्चे मौजूद होना चाहिए। अभी तो जितना क्लास में बच्चा नहीं आता है ना, जितना बच्चा क्लास में मौजूद रहता है ना उसका कम ही है। अभी तक उतना बच्चा भी नहीं आया यहाँ पे। जितना मेरे क्लास में स्टूडेंट जुड़ते हैं ना, फ्री वाले बैच में उतना ही बच्चा नहीं जुड़ा है। अफसोस का बात है बहुत, है ना। थोड़ा सा बताओ लोगों को कि सर थोड़ा क्लास ज्वाइन करें, बच्चे जुड़े, थोड़ा अच्छा लगता है ना। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ देखिए आप इतना मेहनत करके सर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, भूखे प्यासे हैं, किस हाल में कोई जानता नहीं है ना, फिर भी सर हम लोग जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा तो करो, इतना तो शेयर वगैरह तो करो। लाइक किया कि नहीं? थोड़ा लाइक वाइक कर दो, थोड़ा लाइक कर दो वीडियो को। अभी तक देख रहा हूँ कितने बच्चों ने लाइक किया, लाइक तो दिख ही नहीं रहा यार, कितना बच्चा लाइक किया इसको। थोड़ा लाइक वाइक कर दो यार, 14 लोग लाइक किए, बताओ कितना कंजूस हो तुम लोग, हाँ कंजूसी का हद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना परसेंट ऑक्सीजन रहने पर फ्लेम सेप्टिलम बुझ जाएगा? कितना परसेंट ऑक्सीजन होने पर फ्लेम सेप्टिलम बुझ जाता है? अभी भी लाइक नहीं कर रहा, जल्दी लाइक करो। कितना परसेंट ऑक्सीजन रहने पर फ्लेम सेप्टिलम बुझ जाता है? जल्दी कितना परसेंट ऑक्सीजन पर फ्लेम सेप्टिलम बुझ जाता है? बचपन में हम लोग आदत था, जब कोई कहानी कोई बात नहीं सुनता था हम लोग कैसे बात करते, पता है? करोगे कि नहीं? नहीं तो तुम्हारा इसका कसम है कि नहीं, वैसे लग रहा तुम लोग कसम देके करवाना पड़ेगा सारा चीज़। तुम लोग का भी सबसे फेवरेट चीज़ तो वही होगी, एक ही होगी ही, और तो कुछ होगा नहीं, है ना, उसी का कसम देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लोजन प्रूफ जो स्टॉपिंग होता है, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग पे बात करेंगे। जो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग होता है उसका बीच का पार्टिंग कितना रहता है? नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल से फिलअप करते हैं, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का बीच का पार्टिंग कितना होता है? लाइक वाइक कर दो, छोड़ के चली जाएगी, फिर मत बोलना सर आप वार नहीं किए थे। लाइक शेयर कर दो, अगर छोड़ के चली गई फिर मुझे मत ठहराना जिम्मेवार, मैं तो वार्न किया हूं तुम लोगों को, ठीक है। कितना होगा इसका जवाब, क्या हो जाएगा? इसलिए बोल रहा लाइक वाइक कर दो। कितना हो जाएगा? 4.5 मीटर। दो आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है 1-1 मीटर का, बीच में 4.5 मीटर का हम लोग फिल करते हैं। टोटल थिकनेस होता है एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का 6.5 मीटर का, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग होता है, ठीक है। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का खास बात होता है, इसका हम लोग जांच वाच नहीं करना होता यार, एक बार बना तो कंस्ट्रक्शन लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा। आइसोलेशन स्टॉपिंग का पैनल के अंदर से सैंपल कितना इंटरवल पे लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब थोड़ा शॉर्ट फायरिंग पे चर्चा किया जाए, लेकिन बच्चे लोग थोड़ा लाइक किए हैं, सभी 50 बच्चे के आसपास लाइक कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ बच्चा अभी भी कंजूसी दिखा रहा है, पता नहीं। अब इसको ये बोल रहा सर मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ और हो तो बताइए, कुछ और कसम दे सकते तो बताइए। मतलब ये लोग बोलना चाह रहा कि सर मेरा तो कोई है नहीं सर, मुझे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपके कसम का, ठीक है। चलो सच में मेहनत लगता है क्लासेस को, सेशन आप कभी लोगे ना आपको पता चलेगा कि कितना वर्क होता है, क्या होता है। क्लासेस लाइव लेना, एक देखो एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके पढ़ाना अलग मैटर है, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग किए जहाँ गलती है छाट छूट के आप कर दिए, ठीक वो हो गया, दोबारा रिकॉर्डिंग कर लेती बारह, लेकिन लाइव आके पढ़ाना चैलेंजिंग होता है ना, बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो उस पर डिस्कशन भी कर, उसको थोड़ा ब्रॉड भी कर रहे हो, तो बहुत मायने रखता है हर एक चीज़, और उस पर समझ में भी आती है।
इसलिए अगर आपको पसंद आया है कि हाँ सर बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, तो जरूर इसको लाइक करो ताकि मुझे भी अप्रिशिएशन मिले, है ना। और मैंने जैसे कहा कि क्लास से तो बच्चे कम ही जुड़े हुए हैं। चलो, काटा थर्मामीटर का अपर लिमिट पॉइंट कितना होता है? काटा थर्मामीटर का अपर लिमिट पॉइंट कितना होता है? काटा थर्मामीटर का अपर लिमिट पॉइंट कितना होता है ना बाबू? तो आप लोग का थोड़ा प्यार ही है ना, जिस मुझे लगता है कि नहीं मुझे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, दैट्स वाई मैं करता हूँ यहाँ पे। चलो, काटा थर्मामीटर का अपर पॉइंट कितना होता है? और एक बात मैं हमेशा फिर करता हूँ इस वीडियो में भी, हर बार मैं कहता हूँ कि जिन बच्चे के पेरेंट्स नहीं है ना, उन जरूर उन लोगों को बोलना क्लास के साथ जुड़ने के लिए, हमसे कॉन्टैक्ट करेगा वो लोग। हम लोग क्लासेस को हम लोग करते हैं कि उन बच्चों के लिए हम लोग ऑफर रखते हैं, वो बच्चे लोग हमारे पास जुड़ के बहुत मतलब 50% से भी कम खर्च में ना क्लास को कर सकते हैं वो लोग। तो मेरा ये नंबर दिया हुआ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करने बोलना जिनके पेरेंट्स नहीं है। स्कॉलरशिप का सुविधा तो हम लोग पहले से लेकर आए हैं, अभी स्कॉलरशिप का संख्या हम लोग बढ़ा दिए हैं। 25 बच्चों को हर सप्ताह स्कॉलरशिप मिलता है, यानी महीने में हम लोग 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। क्या समझ सकते हो? हर वीक 25, यानी 25 इंटू 4 इक्वल टू 100 बच्चा हर महीने स्कॉलरशिप लेता है। रैंक जो बच्चा लाता है रैंक 1 से लेके 5 तक को मिलता है 100 रुपीज़ का स्कॉलरशिप, और जो बच्चा रैंक ठीक है 6 से 6 to 25 लाता है उसको मिलता है तुम्हारा 50 रुपये का स्कॉलरशिप। हर एग्जाम में मिलता है, तो हम लोग 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। बहुत हम लोग हर बच्चे के लिए मदद करते हैं, पढ़ने के लिए आजकल कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता है कि कोई मदद नहीं कर रहा, जहाँ तक होता है हम लोग सबके लिए सपोर्ट करते हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, तो काटा थर्मामीटर का अपर पॉइंट कितना होता है? 38 डिग्री होता है। और काटा थर्मामीटर में अच्छा बताओ तो काटा थर्मामीटर का लोअर पॉइंट 35 होता है, अपर पॉइंट 38, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है, मैं कंडीशन दो देता हूँ, एक 35 है, इसमें भी 38 है और 35 है, दो नंबर है ये, इसका नंबर ए इसका नंबर बी, आपको बताना है कि कौन सा सही है। टेम्परेचर मेरा किधर जाएगा, 35 से 38 की ओर जाएगा या 38 से 35 की ओर टेम्परेचर लाना होता है मेजरमेंट के समय? विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है दोनों में से? टेम्परेचर 35 से 38 ले जाते हैं मेजरमेंट के दौरान या 38 से 35 लाते हैं? ठीक है बाबू, तो ये सारे चीज़ें हैं, लोगों को बताओ ताकि लोगों को जागरूकता फैले। लोगों में अभी भी बहुत सारे लोगों का अवेयरनेस नहीं है, अभी भी वही मूर्ख की तरह पढ़े हुए हैं, पुराना जो टेक्नोलॉजी उसी से पढ़ रहे हैं। आजकल नया टेक्नोलॉजी, नया सब कुछ आया है, आप अगर अपने आप को इसमें अपग्रेड नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, है ना। आज के समय में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ तेज़ दिमाग होना ज़रूरी है ना। और वो सिर्फ चमन फरास खाने से नहीं आएगा, ठीक है, पढ़ाई के साथ तेज़ दिमाग चाहिए, तो दिमाग को मेहनत कराना पड़ेगा, दिमाग को कसरत करवाना पड़ेगा। जिस तरह शरीर को बिल्ड करने के लिए बॉडी कसरत जरूरी है, उस तरह दिमाग को बिल्ड करने के लिए ब्रेन का कसरत जरूरी होता है, जो कि हम लोग हर एग्ज़ाम में करते हैं। हम लोग के यहाँ जो बिरयानी टेस्ट होता है ना, बिरयानी टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है, वो बिरयानी ही है ना। जो बच्चा बिरयानी खाया है उसको पता है कि बिरयानी टेस्ट क्या होता है ना। अगर आपको पता नहीं तो मैं कमेंट के माध्यम से आप देख लो, जो बच्चे बिरयानी टेस्ट दिए हैं तो थोड़ा आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके थोड़ा समझा दो, है ना। बिरयानी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा कमेंट करके समझा दो कि बिरयानी टेस्ट का टेस्ट स्वाद कैसा होता है, थोड़ा सा बता देना इन लोगों को, है कि नहीं। बिरयानी टेस्ट कैसा रहता है थोड़ा बता दो। तो हम लोगों का जो बिरयानी टेस्ट होता है ना, हम लोग जो बिरयानी टेस्ट करवाते हैं, हम लोग बहुत खतरनाक टेस्ट होता है, आप अगर उसमें कभी अपेयर होगा तो पता चलेगा। क्लास में अगर कोई बच्चा मौजूद है, थोड़ा बिरयानी टेस्ट के बारे में थोड़ा समझा दो कि कैसा होता है। चलो, ये होता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, है ना, टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो मीथेन होता है, मीथेन कितना परसेंट मीथेन पे ना मैक्सिमम जो एक्सप्लोजन होता है ना, बहुत बहुत वायलेंट एक्सप्लोजन होता है, कितना परसेंट मीथेन रहने पे जो एक्सप्लोजन होता है वो वायलेंट एक्सप्लोजन होता है, कितना परसेंट मीथेन पे सबसे ज़्यादा वायलेंट एक्सप्लोजन होता है ना, सबसे ज़्यादा वायलेंट एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वायलेंट एक्सप्लोजन होता है, कितना परसेंट मीथेन होने पे वायलेंट एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, कितना परसेंट मीथेन होने पे वायलेंट एक्सप्लोजन होता है, कितना परसेंट पे होता है, तो कितना परसेंट मीथेन पे होता है हम लोगों का, तो 9 पॉइंट कितना 9.6% पे क्या होता है, वायलेंट एक्सप्लोजन होता है। चलो, अब मोटा मोटी हो गया, अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट फायरिंग से डिस्कशन करेंगे। चलो, जब डिटोनेटर को, ठीक है, जब डिटोनेटर को कार्टिज के अंदर इंसर्ट करते हैं, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? अच्छा, एक सवाल मैं आप लोग से पूछता हूँ, शॉर्ट फायरिंग कंटिन्यू करना है, वेंटिलेशन कंटिन्यू करना है, शॉर्ट फायरिंग करना है? अगर बोलोगे सर शॉर्ट फायरिंग अगला बार, तो अगला बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेंटिलेशन कंटिन्यू करें या शॉर्ट फायरिंग करें, बताओ, आप लोगों को रिप्लाई दे दो, मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसे ही कराऊंगा। ये तो शॉर्ट फायरिंग नेक्स्ट टाइम करूंगा यार, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बचा हुआ है। चलो, आज इसी को करते हैं, आज इसी वेंटिलेशन को कंटिन्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग शॉर्ट फायरिंग को करेंगे, ठीक है। ये बहुत भूख लगा आज मुझे, बहुत भयानक भूख लगा, दोपहर में खाया फिर कुछ खाया नहीं, बहुत भयानक भूख लग गया। सच में भूख लगने पर बोलते हैं ना,
चूहों का अटैक, वही पेट में चूहों का अटैक हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हो गया आप लोगों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मिथेन का अगर टेम्परेचर ठीक है 650 डिग्री हो तो उसका लैग ऑन इग्निशन कितना होगा? मिथेन का टेम्परेचर अगर 650 डिग्री टेम्परेचर हो तो उसका लैग ऑन इग्निशन कितना होता है? चलो इसी को कर लेते हैं। 650 डिग्री टेम्परेचर पे मिथेन का लैग ऑन इग्निशन कितना होता है? वो 10 सेकंड का लैग ऑन इग्निशन होता है। 10 सेकंड पे हम लोग लैग ऑन इग्निशन करते हैं। लैग ऑन इग्निशन कितना? 10 सेकंड। लैग ऑन इग्निशन क्या होता है? जब किसी बॉडी को किसी सोर्स, किसी टेम्परेचर के सोर्स पे लाते हैं, हीट के सोर्स पे लाते हैं, वहां से लेके जब तक ठीक है, तो जब कभी हम लोग लेकर आते हैं ना, जब हम लोग थोड़ा सा वहाँ नेटवर्क का इशू दिखा रहा था, तो जब हम लोग लेकर आते हैं ना उसको, किस पे लेकर आते हैं हम लोग, जब उसको लेकर आते हैं कनेक्शन, जब कनेक्ट में लेकर आते हैं, हीट और सोर्स के कनेक्शन में लेकर आते हैं, तब हम लोग क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट, तब हम लोग देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो उसे फायर, जो पहला साइन का फायर मिलता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लैग ऑन इग्निशन। ठीक है, तो ये होता है लैग ऑन इग्निशन को माइनिंग के टर्म में, जो कोल में जब लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। उसी को क्या है, उसी का दूसरा रूप क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है, वही होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, इंक्यूबेशन पीरियड और लैग ऑन इग्निशन ही होता है। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड लैग ऑन इग्निशन मिथेन का होगा कितना डिग्री टेम्परेचर होने पर? कितना टेम्परेचर होने पर लैग ऑन इग्निशन मिथेन का एक सेकंड होता है? कितना टेम्परेचर होने पर मिथेन का लैग ऑन इग्निशन कितना होता है? एक सेकंड होता है। ठीक है, कितना टेम्परेचर होने पे लैग ऑन इग्निशन एक सेकंड होता है? तो 1000 डिग्री टेम्परेचर पे मीथेन का जो लैग ऑन इग्निशन कितना होता है? एक होता है। मीथेन एक्सप्लोजन के लिए मिनिमम ऑक्सीजन कितना परसेंट चाहिए? मीथेन एक्सप्लोजन के लिए मिनिमम ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होना चाहिए? ठीक है, मीथेन एक्सप्लोजन के लिए सबसे मिनिमम ऑक्सीजन कितना परसेंट होना चाहिए? ये सवाल बहुत एग्जाम में पूछा, आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, हर एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, ये हर एग्जाम में सवाल आया बाबू, हर एक सवाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ECL में पूछा था, WCL में भी आया ही था ये सवाल, ये बोला, इसलिए इसको अच्छा से याद रख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। 12.1% से परफेक्ट आंसर क्या है? 12.1% होना चाहिए मीथेन का। मीथेन को कितना होना चाहिए? 12.1। मीथेन एक्सप्लोजन का जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट कितना परसेंट, मैक्सिमम परसेंट तक मीथेन एक्सप्लोड हो सकता है? कितना परसेंट मैक्सिमम परसेंट पे मीथेन एक्सप्लोड हो सकता है? सवाल छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जाम में जब पूछता है ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुन लो, बड़ा चीज तकलीफ नहीं देता है, छोटा चीज का आंसर गलत होता है ना, वो तकलीफ देता है। मैंने पिछले बार भी कहा था, है ना, एक स्टूडेंट हम लोग को उज्ज्वल त्रिपाठी बोलकर, ठीक है, बच्चा बेचारा ना उसका एकदम सिंपल क्वेश्चन को गलत किया, WCL एग्जामिनेशंस में आके रो रहा था। बहुत अच्छा स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उससे ज़्यादा मुझे अफसोस है कि इतना अच्छा लड़का का सिलेक्शन नहीं हुआ। पता है 7 days पूछा था सवाल एग्जाम में आया था, एक वीक में कितना दिन होता है? वो आंसर मारा था 6। एक वीक का आंसर वो क्या मारा, एक वीक में कितना होता है? 6 days में टिक मार के आया है वो, सोचो ये टिक मारा वो। कितना हड़बड़ी में लोग गलत करते हैं, है ना, तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखता बाबू, ये छोटा छोटा सवाल सोचो। ऐसा बच्चा उसका वो बोल रहा था ना कि सर मेरा छोटा जो भतीजा है ना सर, वो भी इसका आंसर सही बता देगा सर, मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप को पीट लूँ, मार लूँ। सच में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है बाबू, है ना, इन सब चीज़ों से। पर एक बात है, जीवन में ना एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत छोटा मोटा चीज़ है, जीवन में इससे भी बड़ा बड़ा चीज़ अचीव किया जा सकता है ना। सो डोंट बी कभी भी, मतलब इस बारे में अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, इस बार पास नहीं हो पाए, या फिर कभी दिए फेल हो गए, तो घबराना मत जीवन में कि हाँ बहुत दिक्कत हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया सर, अब क्या करेंगे, मेरे लिए जीवन तो समाप्त हो गया। बेवकूफ़ी वाला बात है, नौकरी करने से तुम नौकर बनोगे, मालिक नहीं बन सकते, ये बात दिमाग में बैठा कर रखना। अगर तुमको ये नहीं मिला तो भगवान तुम्हारे लिए कुछ बेहतर चीज़ सोच के रखे हैं, है ना बाबू। सबसे बड़ा बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुमको, मान लो अगर तुमको ये चीज़ नहीं मिलता है, अगर तुमको जॉब नहीं मिलता है, तो क्या है बाबू, भगवान तुम्हारे लिए क्या है ना, कुछ अच्छा सोच के रखे हैं तुम्हारे लिए। भगवान जी है ना कुछ अच्छा सोच के रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इस पर फोकस रखना, भगवान के ऊपर विश्वास रखना, माँ बाप के ऊपर विश्वास रखना, वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, है ना। तो अगर नौकरी नहीं मिलता है तो एकदम घबराना मत, टेंशन मत लेना, जीवन में तुम्हारे लिए उससे बेहतर होगा, तुम्हारे जो फ्रेंड्स लोग हैं उससे बेहतर होगा, है ना, और तुम जीवन में बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, सो डोंट बी कभी भी
अपने आप को ये मत सोचना कि हमको नौकरी नहीं लगा, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा एकदम मत सोचना। बहुत अपॉर्चुनिटी है दुनिया में, बहुत कुछ करने की अपॉर्चुनिटी है। नौकरी करके केवल नौकर बन सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा तो अपना पर्सनल सोच ये है, मैं तो खुद बिजनेस और टीचिंग लाइन में ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखता हूँ। खैर बहुत लोगों ने मुझे समझाया, अगर तुमको नौकरी नहीं लगेगा ना और तुम पढ़ाते रहेगा तो लोग क्या बोलेंगे पता है, नौकरी नहीं लगा इसलिए पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये भी समाज का एक मजबूरी होता है ना, जिससे लोग क्या होता है कि जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ जॉब करना है मुझे, है ना। मेरा तो शुरू से टीचिंग लाइन ही रहा है, मैं तो शुरू से बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड रहा हूँ। इसमें मुझे ज़्यादा आत्मीयता का भाव होता है, ज़्यादा मैं स्पिरिचुअल महसूस करता हूँ अपने आप को जब मैं पढ़ाता हूँ। इसमें मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ज़्यादा 100% फोकस करता हूँ। नौकरी से ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ये, है ना। तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसमें आता है। और हो सकता है शायद मैं कुछ साल बाद मैं ये घोषणा भी कर दूँ कि शायद पता नहीं आगे जॉब करना है कि नहीं, पता नहीं ऐसा कुछ हो, तो ये भी ऐसा भी फीलिंग्स आती है कि ये करना है। लेकिन आपको ये पता है कि परमानेंट जीवन में सोर्स ऑफ इनकम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। परमानेंट सोर्स का इनकम, इसलिए जॉब के प्रति लोग दौड़ते हैं। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब मुझे तो ऐसा हमेशा लगता है कि जॉब अगर ना होती से ज़्यादा मेरा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, मैं बेहतर अपने जीवन में कर पाऊँगा, है ना। बेहतर सोर्स ऑफ इनकम पर ही नहीं बोलूँगा, बेहतर और भी बेहतर तरीके से अपने जीवन को मैं जी पाऊँगा अगर मुझे एहसास होता इस बात का, ठीक है ना, इस बात का एहसास होता है। ठीक है, बात बाकी ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जहाँ ले जाए। तो आप लोगों से मैं ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कभी नौकरी वगैरह नहीं होता है ना तो एकदम कभी घबराना मत बाबू, एकदम कभी घबराना मत। भगवान आपके लिए अच्छा सोच के रखे हैं। और अगर आपका नौकरी कहीं मान लो कि स्पेशली किसी जगह नहीं हुआ, जैसे आप चाहते थे कहाँ पे, आप सोच रहे थे कि मुझे नौकरी यहाँ पे लगे, है ना, तो वहाँ पे अगर नहीं हुआ और कुछ अलग जगह हो गए तो उस पे भी घबराना नहीं। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप प्रयास करना है, आप जिस लिए आए हो, जिस चीज़ में आए हो ना, वो आपको प्रयास करना, उस चीज़ के लिए आपको बेहतर करना है। ठीक है ना, तो ये सारे चीज़ों पे प्रयास करते रहना, आपको बेस्ट अपना देना है ताकि आपको ये करना है। क्योंकि देखो, क्योंकि आप जिस चीज़ को सोच के साथ आया हो, उस सोच को जैसे आप कुछ भी टारगेट लेके 3 साल पढ़ाई किए, 4 साल पढ़ाई किए, प्लस 10-12 किए, तो कुछ तो उसका पीछे तो है ना कुछ उद्देश्य तो रहा होगा। तो उस चीज़ को क्या है, अमल में लाना। उस चीज़ को अमल में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। दैट्स वाई आप लोग के लिए एजुकेशन ज़्यादा, इसलिए जॉब ज़्यादा जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं है इस चीज़ के बारे में। और अगर नहीं मिले तो ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया पूरा जीवन, सर अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब तो हाई जंप ही मुझे दिख रहा है, हाई जंप के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रही, बेवकूफ़ी वाला सोचा। क्योंकि ये छोटा मोटा, मतलब क्या बोलेंगे, एक बाय प्रोडक्ट है। जॉब इज़ अ बाय प्रोडक्ट, एक बाय प्रोडक्ट जैसा है, जीवन का एक बहुत छोटा पार्ट है ये जॉब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में, है ना, बहुत कुछ है। तो बहुत, और एक बात मैं आप लोगों को स्पेशली सजेशन दूंगा कि जीवन में ना बुक्स पढ़ो। बुक्स मतलब ऐसा नहीं कि सर, तुम बोले सर हम तो पढ़ते हैं, दिन भर फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहते, पढ़ते रहते हैं, है ना, ये नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको बुक्स पढ़ना है। लाइक्स कौन सा बुक्स पढ़ना है, जैसे आप जीवन में ना कुछ अलग तरह के बुक्स पढ़ो। जैसे आप मोटिवेशंस का बुक्स पढ़ सकते हो अभी के टाइम में, जो आपका हेल्प करेगा। आप साइकोलॉजी से रिलेटेड जो बुक आता है ना, उसको पढ़ सकते हो आप, वो सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर दूसरा नंबर, आप जैसे एक रिच डैड पुअर डैड नामक एक बुक है, उसको आप पढ़ सकते हो, वेल्थ के ऊपर समझाया गया, हाउ टू मेक मनी। तो इन सारे बुक्स को पढ़ोगे ना ये, और 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली अफेक्टेड पीपल एक बहुत फेमस बुक है, इन सब बुक्स को पढ़ के अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। मैंने पढ़ा है, दैट्स वाई मैं आपको सही समझ रहा हूँ, बहुत अच्छा किताब है। इस सब चीज़ों से जुड़े रहोगे ना, अपने आप को बेहतर महसूस करोगे। दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, ज़्यादा दोस्त मत बनाओ, 2-4 दोस्त बनाओ, लेकिन ढंग के दोस्त बनाओ, जो ढंग से दोस्ती निभाए, है ना, ढंग के दोस्त। एक क्या होता है कि दुनिया में उसका बहुत सारा दोस्त है, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो कोई नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है बाबू, है ना, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, आपका जीवन ना बहुत अच्छा उठेगा, बहुत जीवन में बहुत कुछ आप अच्छा कर पाओगे, बहुत बेहतरीन कर पाओगे। आप सोच नहीं सकते हो कि आपका जीवन का जो स्तर है कहाँ तक चला जाएगा, आपको यकीन नहीं होगा इस बारे में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ अपना जीवन को जियो। मैं तो आपसे ईश्वर से ही कामना करूँगा आपका जीवन, हर लोगों का जीवन, स्टूडेंट का जीवन बेहतर हो, है ना ये। और फोकस करो, फोकस। देखो एक चीज़, मैं एक बात हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, मैं एक कुछ दिन पहले से मैं इस बात पर रिसर्च भी कर रहा था, रिसर्च में कर रहा था कि बच्चों का क्यों सिलेक्शन नहीं होता, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न क्या है सिलेक्शन नहीं होने के पीछे। तो मैं देखा ना कि वो लोग का टारगेट होता है जॉब, क्या करना है भाई, जॉब करना, टारगेट ही उनका जॉब है, यही टारगेट ही गलत है यार, टारगेट जॉब है। देखो गीता में भी साफ साफ लिखा है ना कि फल के नहीं करना है, फल के लिए मेहनत नहीं करना है, है ना। आपको किस लिए करना है, यू हैव टू मस्ट फोकस ऑन योर वर्क, आपको काम पे फोकस रखना है। टारगेट आपका क्या होना चाहिए, टारगेट आपका होना चाहिए टू बी द बेटर, आपको होना चाहिए टू बी बेटर, आपको बेटर बनना, आपको बेहतर बनना है, बेटर बनना है।
आपका अगर स्कोर अभी 98, 95, 96 आ रहा है तो आपको 100 स्कोर तक पहुंचना है। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमको 98 से 100 जाना है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं जॉब, अगर ये सवाल जॉब में आएगा, एग्जाम में आएगा तो पढ़ना है, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। अच्छा बता, कोई आपको दोस्त भेजा तो आप क्या बोलते हो, उससे पूछते हो अच्छा बता ये एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, ठीक है छोड़ देते हैं, ये किताब एग्ज़ाम में रहेगा कि नहीं, नहीं आएगा छोड़ देते हैं। आप ऐसे पढ़ते हो, ये नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए पढ़ना है, आपको एक्यूरेसी पे अपना काम करना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है। जिस दिन अपने आप को बेस्ट बना लिया उस लिए दुनिया का तो हर एक चीज़ आपके पास होगा। ये दो, ये जॉब तो एक छाछ है यार, छाछ है एकदम, बाय प्रोडक्ट है ये, कुछ नहीं है ये, हर चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं। जिस दिन आप सोच लिए ना कि मुझे जिस क्षेत्र में जाना है बेस्ट बनना है, ईमानदारी से बेस्ट बनना है, बेईमानी चीज़ नहीं चलेगा। ये बात तो भाई एकदम मान लो, दिमाग में आप लोग बैठा लो, है ना, कि बेईमानी नहीं चलेगा, ईमानदारी से मुझे बेस्ट करना है। आप अगर बेईमानी से कहीं चले भी गए ना तो आज से 5 साल 7 साल 10 साल के बाद ना वो चीज़ आपको पीछा करते हुए आपके पास आएगी ही आएगी। अभी वेस्ट बंगाल में इतना सारे बच्चों ने जॉब लिए हैं, टेट का एग्जामिनेशन हुआ था 2016-17 के आसपास, जहाँ तक मैं डेट को रिकॉल कर पा रहा हूँ, 16-17 का समय रहा होगा। तो उस समय जो टेट में एग्जामिनेशन हुआ था, 2 लाख 1 लाख के आसपास वैकेंसी, बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया। आपको पता है सब पे तलवार लटक रहा है, गलत तरीके से जॉब में तो आ गया लेकिन टिक नहीं पाएगा वो लोग। अभी ईडी का छापा पड़ रहा है हर एक जगह, है ना, तो उससे रिलेटेड देखिए, जो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री पहले थे पार्थ चटर्जी के ऊपर बहुत भयानक एक्शन लिया जा रहा है। तो आप तो गलत तरीके से चले तो जाओगे लेकिन वहाँ पे टिक के नहीं रह पाओगे। टिकने के लिए ना आपको ईमानदारी, व्यक्तिगत रूप से ईमानदार बनना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से ईमानदार जाओगे ना यार, दुनिया का कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगा। आप हर जगह पे स्ट्रांगली खड़े रहोगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर भी चलो स्ट्रांगली खड़े रहोगे, कुछ भी हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अही अगर आपके अंदर बेईमानी रहेगी ना, आप कुछ भी कर लो ना, डर एक बन में रहेगा, कुछ भी कर लो डर रहेगा, हम तो गलत करके आए हैं। और कोई छोड़ने वाला नहीं, जिसका हक मारोगे आज की डेट में कोई छोड़ने वाला नहीं। मैं तो खुद सपोर्ट करूंगा उन लोगों का जो बच्चे फाइट करते हैं इन सब चीज़ों के खिलाफ, मैं खुद उसका सपोर्ट करूंगा, मैं खुद सपोर्ट करूंगा, मैं जहां मुझे मौका मिले कि हाँ यहाँ पे गलत हुआ है, ये लोग गलत तरीके से, मैं सपोर्ट करूंगा। तो ये सारे चीज़ें बच्चों, अपने आप को बेस्ट बनाओ, बेस्ट बनाना, अगर बेस्ट जिस दिन तुम बनाने अपने आप को सीख गए ना हर लहजे से, उस दिन मैं लिख के देता हूँ, आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। और हमेशा आपका टारगेट क्या होगा, ये अगर एग्जाम में नंबर कम भी आया तो रियलाइज करो, फोकस करो कि वाई, क्यों कम आया। अगर मेरा 98 और कोई बच्चा 100 लेकर आ रहा था, क्यों लेकर आ रहा है। अगर कोई बच्चा 60, अगर कोई बच्चा 30, अगर एग्जामिनेशन में 42 स्कोर कर रहा है और मेरा स्कोर 32 में ही सिमट के रह गया, 33 में सिमट के रह गया, 35 तक मेरा स्कोर आया, तो क्यों 35 आया। कुछ तो गलती हुआ मेरे से, कुछ तो मैंने नहीं पढ़ा था, कुछ तो मुझे और अच्छे से तैयारी करना चाहिए था, मेरे अंदर एक रुचि तो चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये सारी बातें ना बाबू बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके जॉब के लिए। अगर आप इन बातों को फोकस करके अगर ध्यान से करोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ, आपका जॉब हो ना हो, आप जीवन में बहुत अच्छा इंसान बनोगे और बेस्ट करोगे हमेशा, क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हो। और याद रखना, बेईमानी लोग इंसान करके एक दो बार सफल हो भी जाते हैं, लेकिन ईमानदार इंसान ना जब सफल होना स्टार्ट होता है ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, मेहनत करना सीखो, हार्ड वर्किंग सीखो। आपका जो प्रेजेंट है ना, आप जो प्रेजेंट में एक्टिविटी कर रहे हो, यही आपका फ्यूचर तय करेगा। आप जो बनना चाहते हो आप वो काम करो। आप अगर चाहते हैं कि मैं जॉब करूं तो जॉब के लिए प्रिपरेशन करो। आप अगर चाहते हो मैं फेसबुकिया बनना चाहता हूं कि सर मेरा टारगेट है फेसबुकिया बनना, तो फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, क्योंकि आप वही कर रहे हो। आप अगर चाहते हो कि मुझे सर नेता बनना है, तो जाके वही भाषण दो, सोशल मीडिया पर शेयर करो, मोदी जी ने ये कहा, अमित शाह जी ने ये कहा, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने ये कहा, यही सब करो। तो जो आप चाहते हो बाबू, उसके अनुसार आपको क्या करना होगा, उसके अनुसार आपको बनना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको सोच को लाना पड़ेगा, उस हिसाब से करना पड़ेगा, तब अपने आपको बेहतर जगह पे पहुंचा पाओगे, भी कम समय में पहुंचा पाओगे। मैंने देखा है जो बच्चों ने कम समय में अपना जॉब का हासिल किया ना, तो आप देखोगे कि 6 महीने में जॉब लिया, लेकिन उससे पूछोगे तो बताएगा कि जब हम ज्वाइनिंग किया ना माइनिंग में, तब से मेरा टारगेट था कोल इंडिया में नौकरी लेना है। आपको बोलेगा कि मैंने सर इसी सिविल एग्जाम में सर क्रैक कर लिया, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन उनसे आप बात करोगे ना तो क्या बताएंगे वो, कि सर मैंने इसका टारगेट शुरू से लिया था। आजकल पीडीबीटी बच्चों देख के मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। देखता हूँ मैं ट्रेनिंग में ना, मेरे यहाँ भी 40-50 बच्चे पीडीबीटी में ट्रेनिंग करते हैं, दे ऑल आर बिजी इन व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड प्लेइंग द गेम इन मोबाइल। तो सोचो अगर मोबाइल में गेम खेलना था तो क्यों माइनिंग लिया, क्यों यहाँ ट्रेनिंग कर रहा, फिर तुम गेम ही खेलो ना घर में रह के, क्या मतलब है। एक कंपनी पीडीबीटी वालों को 8,000 के आसपास अभी देती है, कुछ पेमेंट करती है, कुछ स्टाइपेंट देती है 8,000 के आसपास, तो एक सर्टेन अमाउंट स्टाइपेंट दे, दिस इज द गोल्डन पीरियड, यूज दैट मनी फॉर योर मेकिंग द करियर। बट तुम क्या कर रहे हो, उस पैसे से खा पी रहे हो, मस्त पड़े हो, लग रहा है यही आनंद भरे जीवन है, और क्या कर रहे हो, मोबाइल में मस्त गेम खेल रहे हो, है ना। इस मैसेज को जरूर पीडीबीटी तक पहुंचाना, ताकि उसको ही पता चले कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना बाबू।
इस मैसेज को क्या करोगे, थोड़ा सा पहुंचाना ताकि पीडीबीटी वाले बच्चों को भी मैं क्या करें, ताकि इस मैसेज का लाभ मिल सके। तो वो पीडीबीटी वालों को ना खासतौर पर मैं उन लोग कहना चाहता हूँ कि जो तुम लोग 8,000 का सैलरी मिल रहा है और तुम इस तरह बर्बाद करें अपना फेसबुक और मोबाइल खेलने में, तुम लिख के देता हूँ है ना, तुम लोग अगर तुम ऐसा एक्टिविटी में अगर लिप्त रहना तो जीवन तुम्हारा बहुत करियर बर्बाद। इससे अच्छा है कि तुम चार लड़का मिल गया, रोज डिस्कशन करो, CMR का बुक खरीद लो, 100-200 रुपये दाम है, नहीं तो YouTube में फेसबुक आजकल तो डाउनलोड भी कर सकते हो, तुम्हारा नेट पे भी अवेलेबल है, PDF डाउनलोड कर लो, सवाल पूछना स्टार्ट करो यार। ये जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना फेसबुक और व्हाट्सएप में ना, बहुत गंदा काम है ये कम से कम मत करो। अपना करियर अगर बनाना चाहते हो तो बहुत मायने रखता है, टाइम इज़ एवरीथिंग। लोग बोलते हैं टाइम इज़ मनी, बट आई नो टाइम इज़ एवरीथिंग, समय ही सब कुछ है। पूरा यूनिवर्स को तुम अच्छे से देखोगे ना तो सिर्फ समय और स्पेस, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा भगवान हमको एक ही चीज़ दी है, समय है ना, बाकी चीज़ हम लोग अपना इन्वेंट किए, मेजरिंग फीता हम लोग अपने से बनाए, वजन के लिए तराजू बनाए, लेकिन टाइम भगवान बनाए थे, टाइम को हम लोग उसको मेजर करना हम लोग सीखे, समय पहले से यूनिवर्स में मौजूद था, वो सब कुछ है, उसके अलावा ना सब कुछ जीवन व्यर्थ है ना। इसलिए टाइम को यूटिलाइज प्रॉपर करो, टाइम को यूटिलाइज कर लिया आज के डेट में ना जीवन में हर चीज़ को हासिल कर सकते हो, तुम्हारा जीवन में जो कुछ भी है। बहुत मायने रखता है टाइम हर जगह पे, तुम्हारा हर एक एक्टिविटी तय करेगा तुम क्या करोगे है ना। तुम अगर आज फेसबुक व्हाट्सएप चलाओगे तो वैसे ही होगा। मेरा भाई लोग प्लस मेरे घर के आसपास के कुछ स्टूडेंट, कुछ बच्चे लोग, मैं उनको देखा हूँ ना दिवाली जैसा दिन, यार तुम याद यकीन नहीं करोगे, दिवाली जैसा दिन ना वो लोग कहीं घर से बाहर नहीं निकलते थे, वो लोग दिवाली का रात में तक बाहर नहीं निकलते थे, रात में वो लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे। तुम सोच सकते हो दिवाली का मौसम है, दिवाली के चारों तरफ लोग दीप जला रहे हैं, चारों तरफ लोग इस तरह कर रहे हैं, सोचो उस रात में भी वो लोग स्टडी कर रहे हैं। माइनिंग में ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस तरह से पढ़ाई करते हैं, सर मैंने दिवाली में एक रात पढ़ा था, बोलो तो क्या सर मेरे साथ हुआ था, ऐसा तो कोई मुझे दिखता नहीं कि कोई बोल दे कि सर मैं पढ़ा था। दिवाली जिस दिन रहता ना एक सप्ताह पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, एक सप्ताह पहले से सब जगह सेंट ये वो होने लगता है कि नहीं। मैं उन लोगों को देखा, दे हैव द फोकस, और वो सब लोग आजकल रेलवे के जॉब में हैं, दे ऑल आर इन रेलवे जॉब, ठीक है। तो ये सारे चीज़ बहुत मायने रखता है बाबू, तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अपना टाइम को यूटिलाइज करो, पीडीबीटी कोई दोस्त, सीनियर जूनियर जो भी आपका दोस्त यार, जो भी फ्रेंड वगैरह, उसको बताओ कि टाइम को बर्बाद ना करें, इस मैसेज को पहुंचाओ। अगर उसको भी थोड़ा बहुत कुछ लगेगा मेरी बात में सच्चाई, अगर उसको यकीन होगा तो ज़रूर उस बात को फॉलो करेगा और उससे लाभ मिलेगा। तो मेरा मैसेज जो मैं आपको दे रहा हूँ उसका मेरा, यही मेरे लिए संतुष्टि का काम है ना, यही मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। अपना टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो तो परफेक्ट एक चार्ट बनाओ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे तो 2 घंटा के अपना शेड्यूल फिक्स कर लो कि सर हम टाइम यूटिलाइज करें कोई बात नहीं, लेकिन मैं 2 घंटा अपने लिए फिक्स करता हूँ, बस पढ़ूंगा। 2 घंटा फिक्स कर लो, कोई भी 2 घंटा टाइम। तुम बोलते सर दिन में टाइम नहीं मिलता, शाम में नहीं मिलता, रात में नहीं मिलता, ये फोन आता वो फोन आता, कोई दिक्कत नहीं है। रात में तुम 4 बजे भोर में तुम तय करो, रात में तुम 12 बजे तय करो कि 12 से 2 बजे रात तक मुझे पढ़ना है, 2 से 4 बजे तक मुझे पढ़ना है, 4 से 6 बजे तक पढ़ना है, जो तुमको टाइम परफेक्ट वो टाइम फिक्स करो, बाद बाकी तुमको जो करना करो। अगर 2 घंटा तुम अभी से परफेक्ट अपने लिए देने स्टार्ट किए ना, 2 घंटा का इन्वेस्टमेंट ना तुम्हारा ज़िंदगी बदल देगा, और ये जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ना ये तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। सी चॉइस इज़ योर, तुमको क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हर एक बात, छोटी छोटी बातें अगर जीवन में तुम इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। तो ये टॉपिक का आज का सेकंड सेशन था, मैंने कहा था मोटिवेशन और बाकी चीज़ों पर थोड़ा सा बात करूँगा, कुछ बच्चों का सवाल भी था तो उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए। बच्चों ने सवाल पूछा था कि सर हम लोग अभी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, पीडीबीटी बच्चों का सवाल आया था। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप लोग जो सवाल आता है मुझे व्हाट्सअप कर दो, तो पीडीबीटी वाले सर अभी हम लोग की जिम्मेवारी क्या है, तो मैं यही बताया कि यही जिम्मेवारी आपका इस वीडियो के माध्यम से, कि ये जिम्मेवारी आप इस तरह करो आपके लिए बेहतर है। टाइम वेस्ट मत करो, CMRs को पढ़ो, ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से करो, व्यक्तिगत ईमानदारी अपने अंदर रखो है ना, व्यक्तिगत ईमानदारी रखोगे सब कुछ बदल सकते हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो है ना। ये सारी चीज़ें मायने रखती, ये आपकी जिम्मेवारी, नैतिक ईमानदारी, इससे काम करो आप कुछ भी हासिल कर पाओगे। ये सारी बातें हो गई और कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड हम लोग बात की, जो टॉपिक का सेकंड पार्ट था, और हम लोग MCQ देखें किसके ऊपर, वेंटिलेशन के ऊपर था। अब मैं सेशंस का तीसरा पार्ट पे लूँगा। आप लोग अगर कोई सवाल है तो आप मुझे चैट के माध्यम से पूछो, मैं करके रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। चैट के माध्यम से मैं देखता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ अगर कुछ है तो। एक एग्ज़ाम में सर सिलेक्शन नहीं होता, 3 साल पीछे चले जाते, गलती किसकी है? अगर एग्जामिनेशन में वैकेंसी 200 निकली और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड ऑफ दैट? जेन्युइन बच्चे तो आ रहे हैं, मैं मानता हूँ आपके कहना सही है सर, बहुत सारे बच्चे इधर उधर जो भी आपका आ जाते हैं, कुछ बच्चों का सर सिलेक्शन बाय लक भी हो जाता है, एकदम सही बात है, लेकिन जेन्युइन बच्चे भी तो जाते हैं, है कि नहीं? आपका नहीं हुआ तो किसकी गलती बताओ? कहीं आप में ऐसा नहीं जरूरी है कि आप अच्छा से प्रिपरेशन करो, है ना? सवाल किसका? अमित कुमार का सवाल है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको प्रिपरेशन में कमी, आपको बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको ज़्यादा फोकस होकर पढ़ना चाहिए, और लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए कि नहीं? हर एक साल में मौका मिलना चाहिए, जीवन में देखो बाबू मौका बहुत कम मिलता है, मैं बार बार समझाता हूँ,
हर साल मौका मिलना चाहिए। कोई यहाँ पे आपका जीवन को लेकर ठेका लेके नहीं बैठा है कि आपको हर साल मौका देगा। ये तो सरकार की जिम्मेवारी होना चाहिए कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, है ना, रोजगार के प्रॉपर अवसर मुहैया कराए जाए, सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन हम लोग का गवर्नमेंट कैसा है आपको भी पता है कि पिछले जितना साल से हम लोग आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले जब भी बोलो हम लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, है ना, सभी को पता है। तो इस चीज़ में ना उम्मीद करना बेकार है, इसलिए जो भी मौका मिला उसमें बेस्ट तरीके से लेना होगा। लोग आएंगे, लोग बोलेंगे, लोग लड़ेंगे, लेकिन बदलाव होने वाला है नहीं, है ना। जब तक आप खुद नहीं जाओगे बदलाव करने के लिए, है ना, तब तक बदलाव आने वाला तो है नहीं। मैं तो इतना समझ गया हूँ, है ना। तो समझ लो एक बात, एक ही बात क्या, कि आपको जो मौका मिला उसी में बेस्ट परफॉर्मेंस करना होगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDPT ट्रेनिंग नहीं मिलता है, PDPT ट्रेनिंग नहीं मिलता, BOPT के थ्रू जाओ, वही बेस्ट ऑप्शन है, है ना, उसी के थ्रू कर पाओगे। आजकल सब लोग उसी के थ्रू जाते हैं, वही बेस्ट ऑप्शन है। मेटल माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में PDPT ट्रेनिंग करना है, इसके लिए देखो PDPT बारे में ना मुझे ज़्यादा मतलब आइडिया है नहीं, क्योंकि मेरा सिर्फ नॉलेज एक ही बात है। मैं देखो मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाता हूँ कि वैकेंसी कितना आएगा, सीट कितना निकलेगा, SC का कितना कट ऑफ जाएगा, ST, ये सब नहीं होता मेरा से। मेरा बस एक ही टारगेट होता है यार, मैं एक ही बात जानता हूँ कि मुझे बेस्ट देना है, बस 100 out of 100 प्रिपरेशन। मुझे प्रिपरेशन ऐसा करवाना था कि आप 100 में 100 क्वेश्चन बना के हो, बस यही मुझे आता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है। बाद बाकी आप वहाँ देख लो उसको, वेबसाइट्स पे और भी लोग हैं जो जवाब दे देंगे। एंटीट्रोपल एंड होमोट्रोपल में कौन सा अरेंजमेंट अच्छा है और क्यों, देखो डिपेंड करता है कौन सा माइंस आपका है। अगर मान लो आपका माइंस हॉट एंड डीप माइंस नहीं है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एसेशनल वेंटिलेशन करो, उसमें माइंस को डीप से राइज निकालोगे तो बेहतर तरीके से वेंटिलेट होगा, सब फेस वेंटिलेट होगा। और अगर आपका माइंस मान लो डीप से राइज है तो आप क्या करोगे, मतलब आपका माइंस डीप एंड हॉट है तो आप क्या करो, डिसेशनल करो, टॉप से डीप की ओर हवा लेके जाओ, तो इसमें ज़्यादा वेंटिलेशन स्टॉपिंग आपको बनाना पड़ेगा। तो दोनों का अपना फायदा और नुकसान होता है। सर टेस्ट कौन सा चैप्टर का होगा, हाँ संडे के दिन जो टेस्ट आप लोगों का है 20 मार्क्स का MCQ टेस्ट है, जो क्लास का टेस्ट है, एक्चुअली मेरे क्लास का सवाल है, हम लोग शॉर्ट फायरिंग का लेंगे टेस्ट। सर MMB माइंस के एरिया को देखने लगते हैं, हाँ क्या लिखा है सर, क्या लिखा है यार, ये सवाल क्या है सर, MMB माइंस का एरिया को देखने लगता है एंड कितना पावर का ऑपरेट होता है, सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, क्या नाम लिखे तुम्हारा, दिगार चैम 51, नहीं समझ में आ रहा भाई सवाल। SP मोटिवेशन 2.0 क्या है तुम्हारा सवाल, इक्विवेलेंट ओरिफिक के बारे में थोड़ा बता ये सर, ना सर इक्विवेलेंट ओरिफिक के बारे में जाना, इक्विवेलेंट ओरिफिक क्या होता है, एरिया होता है ना, क्या होता है, एरिया होता है, जिसमें सेम क्वांटिटी ऑफ एयर को हम लोग एजम्पशन करते हैं जितना माइंस के एरिया से फ्लो हो रहा है ना, ये न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल होता है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें। आपका स्कॉलर वाला टेस्ट कैसे ज्वाइन करेंगे, प्लीज़ सजेस्ट मी। मेरा स्कॉलर वाला टेस्ट ज्वाइन करने के लिए ना बाबू आपको हर वीक एग्जाम होता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप का लाभ उन्हीं को मिलता है जो बच्चे क्लास में ऑलरेडी इनरोल्ड है। ऐसा नहीं कि आप पहले आके बाहर से नहीं कर पाओगे, ये स्कॉलरशिप बच्चों के लिए जो क्लास में ऑलरेडी इनरोल्ड है, इसको करने के लिए आपको क्लास में पहले इनरोलमेंट लेना पड़ेगा, क्लास में ले लो एडमिशन वगैरह, उसके बाद आप कर पाओगे। सर ECL पैटर्न क्वेश्चन आया सर, तो EMT का प्रिपरेशन कैसे करें, देखो EMT बुक्स है ना, थ्योरी बुक्स है, उसमें बहुत सारा डेटा ना अभी तक अपडेट नहीं हुआ, सबसे अफसोस वाली बात यह है। EMT बुक्स पढ़ो, थ्योरी के लिए बहुत अच्छा है। देखो ECL का एग्जाम आप सबको पता है थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू हुआ था, जो टाटा कंडक्ट करवाए थे, TCS कंडक्ट करवाई थी, तो TCS के कारण जो एग्जामिनेशन हुआ था ना, तो उसमें पूरा का पूरा डेटा जो था वहीं से वो छाप दिया, क्योंकि उसके पास उसके अलावा कोई बुक्स का नॉलेज ही नहीं था। तो अब ऐसा होगा ये मुझे नहीं लगता है ना, तो आप सब बुक्स को पढ़ो, लेकिन इसको भी पढ़ो, लेकिन डेटा इससे मत लेना, डेटा इसमें बहुत सारा भूलभाल दिया हुआ है। आप थ्रोली पढ़ो, पेंसिल का इस्तेमाल करो, पढ़ते समय पेंसिल से कलर करो, कौन सा डेटा आपको मिल रहा है वो हो गया। सर एंटीट्रोपल क्या होता है, एंटीट्रोपल होमोट्रोपल दो तरह का वेंटिलेशन अरेंजमेंट होता है। अगर माइंस में मिनरल और एयर का फ्लो अगर ओपोजिट डायरेक्शन में करवा रहे हो तुम, कहीं पर ऐसा होता है, उसको एंटीट्रोपल बोलते हैं। कहीं पर भी हो, जैसे मान लो कि अचानक से तुम कोयला उठा रहा है और उसी में हवा नीचे जा रहा है, तो दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो इसको एंटीट्रोपल बोलेंगे। और क्या सवाल है, पीटर ट्यूब का यूज़ कहाँ होता है सर, पीटर ट्यूब के बारे में आपको पता है, पीटर ट्यूब क्या होता है, पीटर ट्यूब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, सॉरी वेलोसिटी मापने के लिए होता है, कि एयर का जो स्ट्रीमलाइन जो फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी क्या होता है, और प्रेशर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इक्विपमेंट मेटल माइंस का अगर फॉरमैन का सर्टिफिकेट है तो DGMS में जाने करके आप ओवरमैन का एक्सचेंज कर सकते, नहीं मेटल माइंस का फॉरमैन है तो फिर ओवरमैन का लिए आपको फिर अंडरग्राउंड कोल माइंस में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा एक साल का, फिर आप कर पाओगे। सर पढ़ाई करके वक्त माइंडसेट क्या करें पढ़ाई करके वक्त माइंडसेट क्या करें, क्या है विवेक आपका सवाल ना, मैं समझ नहीं पा रहा, शायद आप पूछना चाह रहे हो कि पढ़ाई के लिए माइंडसेट कैसे करें। पढ़ाई के लिए आप माइंडसेट करते हो ना, देखो
हैबिट, एक चीज़ मैं बताते हैं, एक प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस के बारे आप लोग पता नहीं, एक प्रैक्टिस तो होता 3721, कुछ प्रैक्टिस से मैं समझा देता हूँ। 3721 ये प्रैक्टिस है, 3711 21 ये प्रैक्टिस है, मतलब 3 दिन 7 दिन 11 दिन और 21 दिन का प्रैक्टिस होता है। डिपेंड करता आप कौन से स्टेज पे हो, अगर आपका स्टेज बहुत बारीकी से छोटा स्टेज है तो आप 3 दिन में अपने आप को चेंज कर सकते हो। आप 3 दिन ना किसी काम को रेगुलर उसी टाइम में करो, आपका प्रैक्टिस वो आदत बन जाएगा। अगर आपको 3 दिन में नहीं हुआ तो 7 दिन तक करो, 7 दिन में आदत बन जाएगा। 7 दिन तक नहीं हुआ तो 11 दिन तक कंटिन्यू करो, नहीं हुआ तो 21 दिन तक करो, 21 दिन में पक्का आपका आदत बन जाएगा, परफेक्ट है। कोई भी चीज़ को अगर आपको नया आदत बदलना है ना तो 3 7 21 21 ये दिन का फिगर है, आप ऐसे करो। मैक्सिमम लोगों को ना 7 से 11 दिन का समय लगता है, आप खुद देखना किस दिन सुबह आप 4 बजे भोर में उठो, है ना, सुबह उठने 4 बजे भोर में उठो, नेक्स्ट डे देखना 4 बजे आपका नींद खुल गया, ये होता है। सर डिले डिटोनेटर एक्सप्लेन प्लीज। डिले डिटोनेटर क्या होता है, एक तरह का डिटोनेटर ही होता है जिसमें हम लोग डिले एलिमेंट लगा होता है ना। डिले डिटोनेटर क्या होता है, एक तरह का डिटोनेटर ही होता है जिसमें क्या होता है डिले एलिमेंट लगा होता है। इसमें क्या होता है, नीचे होता है बेस चार्ज, उसके ऊपर होता है प्राइम चार्ज होता है, ठीक है ना। बेस चार्ज के रूप में PETN का इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर ASA इस्तेमाल करते हैं, फिर उसमें डिले एलिमेंट लगा होता है ना। डिले एलिमेंट लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है तुम्हारा फ्यूज लगा होता है, न्यूप्रिन प्लग लगा होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, फ्यूज से ही वायर कनेक्टेड होता है, बस यही है मेन। इसमें डिले एलिमेंट का ही काम है, ठीक है ना, डिले एलिमेंट का होता है। शॉर्ट डिले लॉन्ग डिले दो तरह का आता है, शॉर्ट डिले लॉन्ग डिले दो तरह का हम लोग डिले एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये होता है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर डिले डिटोनेटर एक्सप्लेन प्लीज, हो गया। टनल मतलब क्या होता है, टनल मतलब यार देखो तुम लोग देखा होगा कहीं पे कभी सफ़र करते हो तो रास्ता में क्या होता है ना, एक कभी तुम लोग जाते हैं तो तुम देखता है ना कि रास्ता के सामने कोई चीज़ आ गया, कोई पहाड़ वहाड़ आ गया, है ना। अब पहाड़ पर क्या है, पहाड़ पे एक पहाड़ आ गया इस तरह से, और यहाँ पे क्या है, इस तरह से एक छोटा सा गुफा जैसा रास्ता बना हुआ है। तो जो रास्ता जो गुफा जैसा दिखता है ना उसी को हम लोग टनल बोलते हैं ना, जो रास्ता दिख रहा है गुफा जैसा इसी को हम लोग बोलते हैं टनल बोलते हैं। टनल कुछ नहीं होता, टनल ही होता है। स्टैटिक प्रेशर, हाँ स्टैटिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए तो बिल्कुल सही। सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टनल एंड इंक्लाइन। टनल क्या होता है, हॉरिजेंटल रोडवे होता है। टनल क्या होता है, हॉरिजेंटल सीधा, और इंक्लाइन क्या होता है, इस तरह डीप होता है, मतलब एक एंगल पे इंक्लाइन सेट किया रहता है। लेकिन टनल क्या होता है, सीधा रास्ता होता है, हॉरिजेंटल होता है, सीधा रास्ता होता है, दोनों में ये अंतर होता है, ठीक है। टनल कर्व भी हो सकता है लेकिन ये होता है। और क्या है, देखो स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर एंड काइनेटिक प्रेशर, तीन तरह का प्रेशर होता है। जब कोई प्रेशर किसी बॉडी के स्थिर अवस्था का कारण होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। जैसे मान लो इस बोतल में पानी रखा हो तो इसमें एक प्रेशर ये इंसर्ट कर रहा है, तुम बोलोगे सर कहाँ प्रेशर है, प्रेशर हो तो दिखता नहीं, तुम यहाँ पर एक छेद कर दो, तुम देखो पानी यहाँ स्पीड में, पानी ऐसे नहीं गिरेगा, पानी थोड़ा दूर जाके गिरेगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे छेद कर दूर, दैट इज स्टैटिक प्रेशर के कारण हो रहा है। अगर इस पानी को हम फ्लो करवाएंगे एक पाइप में तो उसके कारण एक प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रेशर और काइनेटिक प्रेशर, इसको काइनेटिक प्रेशर बोलते हैं। और तीसरा होता है टोटल प्रेशर, दोनों को सम कर दोगे जो बनेगा उसको बोलते हैं टोटल प्रेशर। ये तीन तरह का प्रेशर होता है, इस पे काम करते हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस, ये तो हो गया। लॉन्ग ब्लाइंड हेडिंग में वेंटिलेशन कैसे करते हैं, लॉन्ग ब्लाइंड हेडिंग जहाँ होता है ना वहाँ पे ओवरलैपिंग वेंटिलेशन अरेंजमेंट करते हैं, उसमें हम लोग ऑक्सिलरी पंखा की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसको वेंटिलेट करते हैं। बहुत जगह ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग में हम लोग सीरीज में भी लगाते हैं और पैरेलल भी ओवरलैपिंग करते हैं, दोनों तरह से काम होता है। इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल में डिफरेंस क्या है, इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल में क्या डिफरेंस। फ्लेमेबल और फ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों एक ही होता है। फ्लेमेबल मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे जिसमें आग लग सकती है, जैसे मान लो जैसे कपड़ा हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब फ्लेमेबल है, जिसमें आग नहीं लग सकता, नॉन इनफ्लेमेबल है। जैसे लोहा हो गया, आपका पत्थर हो गया, है ना, ये सारी चीज़ जिसमें आग नहीं पकड़ सकता उसको नॉन इनफ्लेमेबल बोलते हैं, वो सारी चीज़ नॉन इनफ्लेमेबल। डिसेशनल और एसेशनल का थोड़ा डाउट है, डिसेशनल और एसेशनल, एसेशनल में क्या होता है, वेंटिलेशन डीप से राइज की ओर जाता है, डिसेशनल में राइज से डीप की ओर आता है। होमालाइट और हॉपका लाइट में क्या डिफरेंस है, होमालाइट और हॉपका लाइट थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं अभी जवाब नहीं देना चाहता, बहुत दिन पुराना डेटा है। लेकिन ये क्या होता है, जो हम लोग जो डिटेक्टर इस्तेमाल करते हैं ना H2S और H2S डिटेक्टर, उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक आपका ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है हॉपका लाइट का ना, हाँ हॉपका लाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं CO को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हॉपका लाइट। और होमालाइट क्या होता है, होमालाइट क्या होता है, होमालाइट का जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जो मुझे याद हो रहा है, ये शायद मुझे लगता है
आपका H2S डिटेक्टर में इस्तेमाल होता है मे बी, इसको आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं कंफर्म अभी नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है सर, सॉलिड ब्लास्टिंग में P3 एक्सप्लोसिव यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं, P5 ही क्यों? देखो P5 एक्सप्लोसिव सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, जो P5 एक्सप्लोसिव होता है बहुत ज़्यादा सेफ है। जब आप सॉलिड ब्लास्टिंग करते हो ना, सॉलिड ब्लास्टिंग में क्या होता है कि सॉलिड ब्लास्टिंग में डेली डिटोनेटर इस्तेमाल होता है, जिसका नंबर 1 से 5 तक 6 तक आप 0 से 6 तक इस्तेमाल करते हो, यानी 150 मिलीसेकंड का टाइम इंटरवल दे रहे हो। तो एक मीथेन क्या ज्वलनशील पदार्थ होता है, मीथेन जल सकता है, उसमें फायर लग सकती है। अब तुम इमेजिन करो अगर मीथेन में आग लग सकता है और उसमें तुम टाइमिंग बढ़ा दिए। अभी हम लोग क्या देखे थे मीथेन के बारे में, एक सवाल आया था ना कि मीथेन का जो जलने का अगर टेम्परेचर 650 डिग्री हो तो अगर 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 उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो वो 1 सेकंड में वो जल सकता है, और 650 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 10 सेकंड में जल सकता है, 10 सेकंड में भी जल सकता है। ये हम लोग देखे अभी है ना, थोड़ा देर पहले सवाल में देखें, आपको ही पता है कि 1000 डिग्री 1 सेकंड और 650 10 सेकंड, मतलब टेम्परेचर कम होगा ना तो भी वो 10 सेकंड ज़्यादा समय में जल जाएगा। तो आप क्या कर रहे, आप डिले यूज़ कर रहे हो, तो डिले में क्या किया आप टाइम को बढ़ा दिए, यानी आप हीट का इफेक्ट बढ़ा दिए। मैक्सिमम 6 डिले नंबर यूज़ कर रहे हो, 150 मिलीसेकंड हो जाएगा है ना, तो उसमें टाइम इंटरवल जैसे आप बढ़ा दिए ना बाबू, तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होगा, सबसे बड़ा दिक्कत आपका ये हो जाएगा कि मीथेन का इग्नाइट का चांसेस आप बढ़ा दिए। जो मीथेन कम टेम्परेचर पर उसको कंट्रोल किया जा सकता, तो उसको आप टेम्परेचर को बढ़ा के क्या किया, आप उसको न्योता दे दिए कि आप उसको जला दो है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम सेफेस्ट एक्सप्लोसिव जो होता है दैट इज़ P5 है ना, उसका इस्तेमाल करता है। P5 क्या है, सबसे सेफ एक्सप्लोसिव है। दूसरा नंबर क्या होता है, जो कट ऑफ को प्रिवेंट करता है, कट ऑफ होल को। कट ऑफ होल मतलब जैसे एक डिले से दूसरा डिले, जब तक इसमें एक्सप्लोसिव को इस तरह से बनाया गया है, इसमें सेंसिटिव इस तरह से है कि ऐसे मान लो कि इसमें क्या होता है, एक होल फूटा बाद में दूसरा होल फूटेगा फिर तीसरा होल फूटेगा, इस तरह से होता है 1 2 3 मान लो अलग अलग डिले अलग अलग फूटेगा। तो ये वाला फूटेगा तो इसका क्रैक के कारण हो सकता है कि ये होल टूट जाए और ये ब्लास्ट ना हो। तो इसमें ऐसा करके डिजाइन किया गया ना एक्सप्लोसिव को कि इसका डिटोनेटर अंदर में, ये वाला फूट गया मान लो और इसका और ये क्रैक भी डेवलप होता है, तो इसका डिटोनेटर अंदर में फूटे तो पूरा को पूरा मतलब एक्सप्लोसिव को ये ब्लास्ट कर पाए। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया एक्सप्लोसिव को, मतलब इसका सेंसिटिविटी को बढ़ाया गया, बाकी से बढ़ाया गया। तो ये एक इसका खास बात होता है, तो मतलब इसमें कटअप का चांसेस घट जाते हैं, मिसफायर का चांसेस घट जाता है। ये दो वजह से हम लोग P5 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मेनली दो कारण होता है। फिर हो गया वाला सर, रीडिंग के टाइम ध्यान इधर उधर चला जाता है, इसका सॉल्यूशन। देखो रीडिंग के टाइम ध्यान उधर जाता है ना, बी कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन करना सीखो। हम लोग दिमाग में ना, बच्चों से हम लोग ना एक आदत बहुत बुरा है, हम लोग कभी नहीं सिखाते हैं कि हाउ टू रीड, हम लोग को पता ही नहीं फोकस क्या है। भारत का ना सबसे बड़ा पावर था मेडिटेशन, मेडिटेशन के बारे में आजकल कोई चर्चा और कोई बात ही नहीं करता, सब बोलते हैं भेड़ बकरी ये सब पढ़ो। यू मस्ट हैव टू मेडिटेट योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आपको मेडिटेशन करने का आदत डालो। मेडिटेशन करोगे ना तुमको बहुत सारा फायदा मिलेगा। आप मेडिटेशन कर रहे करने का, आप ध्यान मुद्रा में कोई भी एक सिलेक्शन करके बैठ जाओ, भगवान के सामने प्रार्थना करना सीखो, बहुत फायदा होगा। तुम सोच नहीं सकते तुमको कितना लाभ मिलेगा। इसका जो इम्पैक्ट है ना, दुनिया का बड़ा से बड़ा मेडिसिन में भी नहीं है। अगर तुम 10,000-1,00,000 का मेडिसिन खा लोगे ना और मेडिटेशन करोगे ना, दोनों इक्विवेलेंट हो, तुम सोच नहीं सकते इसका फायदा क्या है। तो मेडिटेशन पर फोकस करो, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, मेडिटेशन करो। YouTube में बहुत सारे चैनल वगैरह है, बहुत सारे लोग हैं मेडिटेशन के बारे में सिखाते समझाते हैं, आप वहाँ से देख के अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं कि मेडिटेशन कैसे करना है, क्योंकि मैं इस पे कोई रिसर्च वगैरह नहीं किया हूं, मैं कुछ पढ़ा नहीं, मैं सिर्फ खुद के लिए करता हूं, है ना। आप अपना देख लो आप कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, माइंस में एयर कूलिंग का इंस्ट्रूमेंट क्या है? वही तो, कूलिंग, एयर कूलिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं ना, एयर कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होता है। अंडरग्राउंड माइंस में बहुत सारा मेटल माइंस में इस्तेमाल होता है, एयर कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, वो होता है। 38-35 डेटा में डाउट है। 35-38 जो डेटा है ना, दोनों वेंटिलेशन का स्टॉपिंग का थिकनेस होता है, एक जगह सर्कुलर में एक CMR में। सर्कुलर वाला मेनली ना degree 3 माइंस, एक जहाँ पे एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग्स बनाने का जरूरत पड़ता है उसके लिए 38 का जिक्र किया गया मेनली, और बाकी जगह 25 से अपना काम चला सकते हो। लक्स वाला डेटा सब बता दीजिए, ये कोई मजाक नहीं है लक्स वाला डेटा अंकित सिंह, ये कोई चीज़ ऐसा नहीं कि लक्स वाला डेटा मैं सारा आपको बता दूँ, ऐसा नहीं। आपको अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड पूछना ही है, ये तो वैसे ही बात हो गया सर पूरा, सर थोड़ा सर मेथड बता दीजिए। मेथड एक वर्ड में थोड़ी ना है, तो पूरा बहुत बड़ा चीज़ है, इसको एक वर्ड में नहीं समझा सकता हूं मैं आपको। लक्स क्या होता है, लक्स लाइट का यूनिट होता है, मैं बता सकता हूं। लक्स क्या होता है, लाइट का यूनिट होता है, लाइट का इंटेंसिटी सही से आ रहा है कि नहीं, उसमें लोग काम करने के लिए सही है कि नहीं लाइट, इसका जांच करने के लिए लक्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं ना, ये होता है लक्स मीटर। और इसका यूनिट लक्स होता है और लुमेन, दो तरह का यूनिट होता है, हम लोग मेजरमेंट करते हैं। DGMS के स्टैंडर्ड के अनुसार हर जगह लाइट का स्टैंडर्ड को सेट किया गया है, ठीक है, तो ये तरीका से हम लोग करते हैं। इनफ्लेमेबल और ये तो फ्लेम सेम होता है, इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल नहीं, इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल अलग होता है, इनफ्लेमेबल और नॉन इनफ्लेमेबल सेम होता है। सर फेस प्रोवाइड करता है,
फ्री फेस प्रोवाइड करता है। सर CMR कब पढ़ना शुरू कराइएगा है क्या, कीजिएगा। विवेक शर्मा, देखो विवेक, जो सवाल मैं पूछता हूँ उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस है। आप CMR से भी सवाल है, बुक्स थ्योरी का भी सवाल है, वेंटिलेशन मैंने सवाल पूछा, ये सबको पता है। मैंने सवाल पूछा आपसे प्रीवियस टाइम में कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन से क्वांटिटी कितना होता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना, जो पुराना वाला वीडियो आपको नहीं पता है तो पुराना वाला वीडियो देखिए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, है ना। फिर जैसे आज का सवाल में एग्जामिनेशन कितना करते हैं, थिकनेस कितना होता है, कौन सा रेगुलेशन नंबर में, MMB किस में है, तो ये सारी चीज़ जो है ना CMR का ही सवाल है। तो मिक्स करके है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर में, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं सब चीज़ को मिक्स करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बोल सकते सर CMR से आएगा बाकी नहीं आएगा, है ना। अब बाकी पढ़ के बैठे हो आप, आपका अच्छा बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सब चीज़ मिक्स करके पढ़ाता हूँ और ऐसे ही चलेगा। एक्सप्लोजिव बैन का मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड हो तो 40 किलोमीटर पर आवर होगा और माइंस एरिया हो तो 25 किलोमीटर पर आवर होगा। सर रेस्ट्रिक्टेड ओवरमैन सर्टिफिकेट वालों के लिए फ्यूचर है कि नहीं? देखो अभी तक तो मुझे सही से नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या है, तुम लोग को इसके बारे में ना जरूर जस्टिफिकेशन मांगना चाहिए DJMS से कि सर हम करें क्या। जितने वाले रेस्ट्रिक्टेड वाले स्टूडेंट हो आप लोग एक बार DJMS से आपस में बात करके DJMS पर जाना चाहिए, सर हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है ये, या फिर आप अपना जो आपका ये है क्या बोलते हैं आप BOPT से जहाँ से आपको रिस्ट्रिक्शन सर्टिफिकेट के लिए आपको भेजा था ट्रेनिंग, आप वहाँ पर भी सवाल करो कि सर मैं सर्टिफिकेट का करूँ क्या, ठीक है ना, आप पूछ सकते हो। सर लीच आर्टेरियल आशीष मंडल, लीच आर्टेरियल इक्वेशन क्या निकालने के काम में आता है? लीच आर्टेरियल जैसे कोई भी इक्वेशन है ना वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए हम लोग लीच आर्टेरियल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते, उसमें होता है क्रॉस लिंकिंग एजेंट वर्सेस एंटी सेटिंग एजेंट, क्रॉस लिंकिंग एजेंट वर्सेस एंटी सेटिंग एजेंट। एंटी सेटिंग एजेंट जो है ना देखना पड़ेगा, दोनों मेरे लिए नया जैसा लग रहा है, देखना पड़ेगा, पढ़ाऊँ लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा। काटा थर्मोमीटर में जो 480 है वो क्या, काटा फैक्टर उसको बोलते हैं, ठीक है। एच और वी हॉरिजेंटल वर्टिकल, जब लाइट का अगर हॉरिजेंटल, देखो जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना अगर हॉरिजेंटली रख रहा है ऐसा तो उसको हॉरिजेंटल बोलेंगे, अगर वर्टिकली रखोगे तो वर्टिकल, इसलिए हॉरिजेंटल के लिए एच और वर्टिकल के लिए वी इस्तेमाल हुआ है। सहब्दी जैसी, सर डिटैचिंग प्लेट क्या होता है? डिटैचिंग प्लेट और डिटैचिंग हुक, देखो जो हम लोग का वाइंडिंग शाफ्ट होता है ना, वाइंडिंग शाफ्ट को डिटैच करने के लिए ऊपर में क्या होता है, एक हम लोग प्लेट लगाते हैं जिसका सेंटर में एक होल होता है। आज का टॉपिक जानबूझ के मैंने डिस्कशन क्वेश्चन कम रखा है ताकि आप लोगों का सवाल को कवर करवाया जाए, है ना। यहाँ पे क्या होता है, इसको एक इस फिन्स को डिटैच करने के लिए जो प्लेट का इस्तेमाल करते हैं इसी को बोलते हैं डिटैचिंग प्लेट। कभी वाइंडिंग में पढ़ाऊंगा इसके बारे में ना। डंपर का स्पीड डिफरेंट प्लेस, डंपर का स्पीड डिफरेंट प्लेस, माइंस जैसे माइंस में मैक्सिमम ओपन कास्ट में आपका 30 किलोमीटर पर आवर होगा, अगर OB डंपिंग कहीं पे है तो 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। सर जब आप CIL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तब आप किस तरह पढ़ाई करते थे, आपका रूटीन क्या था? मेरा रूटीन जानना है बाबू, देखो हम लोग ना फोकस्ड थे, हम लोग जो पढ़ाई करते थे ना तो वी हैव द फोकस्ड, फुल्ली फोकस्ड थे। लास्ट में जो एग्ज़ाम क्रैक हुआ ना उस समय मैंने थोड़ा रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दिया, हड़बड़ाया नहीं, सबसे बड़ा बात था मैंने हड़बड़ाया नहीं, सबसे बड़ा बात था। उस समय मेरा ISM में जॉब चल रहा था, ISM में था और मुझे पता था कि एग्ज़ाम देने जाना है, तो आपको जानकार हैरत होगा कि ISM धनबाद में ही है और मुझे रांची एग्ज़ाम देने जाना था, तो हम छुट्टी भी इस बार नहीं लिए थे। जब मुझे WCL एग्ज़ाम देने था ना तो मुझे 7 दिन का छुट्टी मैंने साइन करवा के सर छुट्टी दे दीजिए मुझे एग्ज़ाम देने जाना पढ़ना ना ऐसा बोल के मैं चला गया। लेकिन जब मुझे CCL का एग्ज़ाम देने जाना था ना तो मुझे हैरत की बात है, इसमें मेरा क्रैक हुआ, मैं छुट्टी भी नहीं लिया, कोई हेडेक नहीं, नॉर्मल पढ़ाई किया नॉर्मल तरीके से। लेकिन सबसे बड़ा बात था मेरा प्रिपरेशन स्ट्रांग था, मैंने एक स्ट्रांग प्रिपरेशन कर रखी थी, ये सबसे बड़ा खास बात था, है ना। तो मेरा ट्रिक्स देखो, हर इंसान का ना अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ होता है, पहले इस तुमको बात को समझना पड़ेगा। मेरा वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग है, आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग है। जैसे मेरा वीकनेस क्या है, मैं इस बात को जानता था, मेरे अंदर वीकनेस एक है कि मैं हड़बड़ी में गलती करता हूँ जो मुझे नहीं करना है, तो इस चीज़ पर मैंने काम किया जो कि WCL एग्ज़ाम में हुआ। मैंने जाना हुआ WCL में 3 सवाल गलत कर दिए, है ना, एक 50 PPM CO का था उसको गलत मार दिया, 2 सवाल तो मैंने C के जगह D रंग दिए, ऐसा हो रहा था, तो मुझे प्रैक्टिस करना, तो मुझे पता चला, तो मैं इन सब चीज़ों पे काम किया। तो आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपना वीकनेस और स्ट्रेंथ देख लो, उस हिसाब से काम करो। देखो सबसे बड़ा एजुकेशन का एक मतलब ये भी है ना कि टू नो योर सेल्फ, हाउ मच यू नो योर सेल्फ, अपने आप को आप कितना जानते हो। डिले 50 मिलीसेकंड सॉलिड ब्लास्टिंग अनसेफ कैसे हो जाएगा, एक बार प्लीज़ बता दीजिए। देखो डिले जब 150 मिलीसेकंड अनसेफ होगा ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ। देखो अगर कहीं पे आप नॉन डिले इस्तेमाल कर रहे हो तो नॉन डिले क्या होगा, इंस्टेंट सब फूटेगा ना, इंस्टेंट नॉन डिले डिटोनेटर इंस्टेंट सब फूटेगा। और अगर आप डिले इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या होगा, उसमें टाइम लेके फूटेगा जो कि 150 मिलीसेकंड मैक्सिमम है, ये है ना। तो तुम खुद सोचो कि 150 मिलीसेकंड तक एक आग, एक फायर है जो 150 मिलीसेकंड तक जल रहा है, और एक आग क्या इंस्टेंट जल के बुझ जा रहा है ना।
तो कौन वाला ज्यादा खतरनाक है मिथेन जलाने के लिए? अगर मान लो मेरा CH4 गैस मिले जो कि एक तुरंत मेरा क्या तुरंत ब्लास्ट हुआ खत्म हो गया और एक 150 मिली सेकेंड तक जला फिर खत्म हुआ, तो ज्यादा मेरा खतरनाक 150 मिली सेकेंड है। इसलिए इसमें ऐसा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करेंगे जो इस चीज का इफेक्ट कम कर पाए। इसीलिए परमिटेड एक्सप्लोसिव का दो तरह का टेस्ट होता है, कोल्ड डस्ट टेस्ट एंड मिथेन एक्सप्लोजन टेस्ट। दो टेस्ट पास करने के बाद ही इसको परमिशन मिलता है P5 एक्सप्लोसिव का। दैट्स वाई हम लोग P5 एक्सप्लोसिव को डेली डेटोनेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये होता है लैग ऑन ऑफ इग्निशन 0 सेकंड कब होगा सर? अगर तुरंत अगर फायर कैच करता टच करने के साथ ही है ना, तो वो तो 0 सेकंड तो नहीं होगा, जैसे पेट्रोल वगैरह में हो सकता है, इट में भी। सर प्लीज चेक, इनफ्लेमेबल, मैं तो बोल रहा ज्वलनशील पदार्थ को इनफ्लेमेबल बोलेंगे। अच्छा इनफ्लेमेबल लिखे हो, अच्छा मैं देख लेता हूँ, ठीक है। आपका जो कहना था मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। H का मतलब होता है हॉरिजेंटल, V का मतलब वर्टिकल होता है। सर आप CIL का कितना एग्जाम दिए हैं? मैंने अभी तक CIL में टोटल 3 एग्जाम दिए थे, एक रेलवे में दिए थे, टोटल 4 गवर्नमेंट सर्विस दिए थे, इसमें 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। रेलवे में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद CIL 2 जगह सिलेक्शन हुआ था, NCL में सिलेक्शन हुआ था, और आपका WCL में नहीं हुआ था, माफ़ करना, CCL में सिलेक्शन हुआ था, और इसी WCL में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पहला एग्जाम था, दूसरा एग्जाम था, पहले तो मैंने रेलवे का एग्जाम दिया था तो उसमें हुआ था, ये हुआ था। हाइवल माइनिंग, अगर माइनिंग क्या है? हाइवल माइनिंग तो एक माइनिंग का एडवांस रूप है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं कि हम लोग बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड एंड पिलर और अंडरग्राउंड के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक हाइवल मशीन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं ड्राइवे चला के हम लोग कोयला को कटिंग करते हैं। और अगर माइनिंग क्या होता है, अगर बोल के एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसके जरिए आप इसको काम करते, इस तरह होता है, ये होता है। सर सेफ्टी हुक ओवर वाइंडिंग से कैसे बचाता है, एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। सेफ्टी हुक क्या करता है ना, जो सेफ्टी हुक का पर्पस ये होता है कि सेफ्टी हुक में 4 प्लेट होते हैं, 2 फिन्स लगा होता है, 2 प्लेट एक्स्ट्रा होते हैं बाहर, टोटल 4 प्लेट होता है। तो जब ये डिटेचिंग हुक से ओवर वाइंडिंग होता है ना, तो डिटेचिंग हुक से ये टकराता है, ठीक है। डिटेचिंग हुक से टकराने के बाद क्या होता है, उसका फिन खुल जाता है और उसमें फंस जाता है वो, तो ऐसा होता है। इसको हम लोग कभी क्लास में डायग्राम बना के देखेंगे। सर वाई डू यू यूज़ द डिले डिटोनेटर, वाई क्या लिखो सर, वाई डू यू यूज़, यू क्यों लिखो, वाई डू वी यूज़ डिले डिटोनेटर। डिले डिटोनेटर का मेन पर्पस यही होता है, देखो जब जैसे देखो पहले क्या था ना, कट फेस ब्लास्टिंग करते थे हम लोग, और कट फेस ब्लास्टिंग में क्या होता था ना, उसमें हम लोग कट फेस ब्लास्टिंग में क्या होता था, एक मिनट मैं थोड़ा सा एक चीज़ चेक कर लेता हूँ। कट फेस ब्लास्टिंग में क्या होता था बाबू, हाँ इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील पदार्थ होता, सॉरी माफ करना, इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल दोनों एक ही चीज़ होता है, नॉन इनफ्लेमेबल अलग होता है, ठीक है। सॉरी मेरे से गलती हुआ शुरू बताने में, माफ़ करना मुझे, मुझे थोड़ा सा कहीं और कुछ होगा वजह से नहीं बता पाया। देखो मैंने क्या, आपका सवाल क्या था, आप लोगों का एक सवाल क्या था, हाँ क्या सवाल था कि डिले डिटोनेटर। देखो तो पहले हम लोग ब्लास्टिंग करते थे ना, फ्री फेस के लिए क्या करना पड़ता था कि कट साइड कट अंडर कट ओवर कट का लगाना पड़ता था, लेकिन अभी वो सिस्टम हटा दिया गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डिले डिटोनेटर से ब्लास्टिंग करके इस चीज़ को हम लोग अचीव कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, फ्री फेस वहाँ से क्रिएट हुआ था, पहले हम लोग साइड कट अंडर कट और ओवर कट करके फ्री फेस क्रिएट करते थे, जो कोई जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में जब शॉर्ट फायरिंग डिस्कशन करेंगे तो करेंगे। सर कोई डिटोनेटर एक्सप्लोसिव एक्सपायर हो जाने के बाद उसका डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? डिस्ट्रॉय करने के लिए ना उसको क्या होता है, डंप करना होता है वैसा जगह जहाँ पर कोई आबादी से दूर हो, और उस जगह पर सेफ जोन में रखना होता है। ओपन कास्ट अंडरग्राउंड के बीच का मेथड थोड़ा है ना सर, हाइवल माइनिंग बिल्कुल सही सर, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल होता है, बट एक्सप्लेन देख के समझा दीजिए, एग्जांपल देकर समझा दीजिए। गणेश भाई प्रोवाइड फ्री फेस के लिए, सर माइंस में कैसे एयर फ्लो होता है, एक जगह देखा था टर्बुलेंट और लेमिनर था। अरे यार मैं समझा, दो तरह का एयर फ्लो होता है, टर्बुलेंट और लेमिनर। जब कोई बॉडी अगर पाइपलाइन के थ्रू फ्लो हो रहा है ना, उसको लेमिनर फ्लो बोलते हैं, और कोई अगर रफ सर्फेस से टकरा के इधर उधर जा रहा है उसको बोलते हैं टर्बुलेंट बोलते हैं। और एक सवाल एक आया बच्चे का, वो बोला सर कि थोड़ा सा हमको बता दिए हॉरिजेंटल वर्टिकल। देखो जैसे मान लो कि लाइट यहाँ पे जला रहे हो तुम, ठीक है, लाइट जल रहा है, तो अगर तुम इंस्ट्रूमेंट को जांच करने के लिए तुम यहाँ रखे, मतलब तुम क्या किए, उसको हॉरिजेंटली प्लेस किए, तो ये हॉरिजेंटल मेजर करेगा। अगर तुम इसको वर्टिकल रख के तुम माप रहे हो तो ये क्या मापेगा, ये वर्टिकल मापेगा, बस यही है और कुछ नहीं है। अगर तुम इसको वर्टिकली रख के चेक करो उस जगह पे तो वर्टिकल, हॉरिजेंटल रख के चेक करो तो हॉरिजेंटल, जिस पॉइंट में मापना वहाँ पे देखो कितना आ रहा है, बस यही है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। चलो मोटा मोटी समझ में आ गया सभी को, थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए इतने देर तक। लार्जेस्ट HMM बकेट व्हील एक्सकवेटर है। चलो बाय, गुड नाइट सभी को, शुभरात्रि, ठीक है। अगर क्लास करने के लिए आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो सभी से रिक्वेस्ट है।
कि आप लोग क्लास को ज्वाइन करो, बेस्ट क्लास है, हर तरह से प्रिपरेशन के लिए हम लोग बेस्ट रखे इस चीज़ को बनाया है ना, तो आप क्लास कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई बच्चा है जिस क्लास के लिए जो आपका साथी वगैरह है जो प्रिपरेशन बहुत दिन से कर रहा है, इसका जॉब एक बार में क्रैक नहीं हो रहा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार क्लास को ट्राई करें, क्लास को ट्राई कर। देखो ट्राई करने में कुछ जाता है नहीं है ना, ट्राई करो, अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फ्री रिफंडेबल का तो ऑप्शन तो रखे हैं है ना, फ्री रिफंड कर सकते हो, अपना फ्री रिफंड लेके आप कहीं और भी क्लास कर सकते हो, देख सकते हो। हम लोग वन बैच पॉलिसी पे काम करते हैं, हम लोग को पॉलिसी बड़ा खतरनाक है, वन बैच पॉलिसी मतलब आप एक ही बैच हम लोग पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है, 10 जगह होता नहीं। सो थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू सो मच सभी क्लास करने के लिए, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स।